Assalamualaikum, good morning Pakistan. कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ट्रेनिंग चल रही है जी? बच्चों की ट्रेनिंग तो होती है, तरबियत तो सिलसिला चलता रहता है. और वो ट्रेनिंग जो हमने अपनी नानियों दादियों से ली है, वो ट्रेनिंग हम कुछ भूल गए. देखे ना, हमारी कितनी चीज़ें चोरी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी नानी दादियाँ, उनकी ट्रेनिंग इतनी सॉलिड होती थी कि बुढ़ापे में भी हमने उनके पानदान के अंदर एक चाबी का गुच्छा देखा है. और उस चाबी के गुच्छे को सोच के हम सोचते हैं, पता नहीं नानी दादी के पास कितना पैसा है, क्या इन्होंने लॉक करके रखा है. ये जस्तजू हमारे दिल में होती है. और फिर कभी हम पटापटा के जब उनसे उनकी अलमारी या उनका संदूक खोलते हैं, तो उसमें मासूमाना चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुरानी कोई तस्वीर, कोई ऐसी थोड़ी सी महंगी शॉल जो शायद हमारे लिए इतनी अहमियत की हामिल ना हो, लेकिन उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है. कोई ख़ानदानी जेवर, कोई दोहरी, कोई लंबा सा हार, कोई गुलूबंद, कोई कड़ा, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम अक्सर दराजों में रख के छोड़ देते हैं और उसके बाद सर पकड़ के रो रहे होते हैं, चोरी हो गया, पता नहीं कौन ले गया. लेकिन उनकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा सख्त थी कि मुझे अच्छे से याद है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो मसाले, तेल, ये भी लॉक की उसमें अलमारी में रखते हैं और हमेशा देखते रहते हैं कितना खर्च हुआ, मासी ज़्यादा तो नहीं ले गई, चीनी अपने पल्लू में बांध के तो नहीं ले गई. ये नज़र हमारे घर के जो बुज़ुर्ग हैं, सीरियसली ये वही रख सकते हैं, वरना हमें तो पता ही नहीं चले कानों कान क्या हो गया, जो हम सौदा लाए वो किधर चला गया. ये आँख एक घर में बैठे वाले बुज़ुर्ग की ही होती है, जो हर किसी को देख रहा होता है, ऑब्जर्वेशन उनकी होती है. जैसे आप सोचते हैं ना कि आपके घर में आपकी सास हैं या आपकी अम्मी हैं, कोई भी बुज़ुर्ग, खाला सास, मतलब फुप्पो, कोई भी जो आपके घर में रह रहे हैं, उनका बेसिकली क्या काम है? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा काम उनका है आपके लिए दुआएं करना, और उनकी वजह से बरकत है आपके घर में. दूसरा, वो आपके बच्चों पर, घर के मुलाजमीन पर, आपके स्पाउस पर हमेशा नज़र रखते हैं और फिर आपको मशवरे देती हैं मुफीद, कि बेटा ये करो, तुम आजकल ये नहीं कर रही, ये ज़रूरी है करना, बच्चों को ये सिखाओ, हस्बैंड से ऐसे पेश आओ. ये नसीहतें उन्होंने कोई वो विरसे में नहीं लेके आई होती, बल्कि जो उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, जो उनकी उम्र की वजह से, उनकी तजुर्बे की वजह से बाल सफ़ेद हुए हैं, ये वो ख़जाना है नसीहतें जो आप तक पहुंचता है. और उस वक्त आप चिढ़ रही होती हैं, लेकिन बाद में आपके दिमाग में आता है, यार मेरी सास मरहूमा कितना सही कह रही थी, यार अम्मी ने कितना सही कहा, यार ये हमने पहले सोचा क्यों नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत तब जाके हम ये रियलाइज़ करते हैं. लेकिन उनका वो गुच्छा जो है ना, वो हमेशा अट्रैक्टिव रहता है और आप ये सोचते हैं, काश मैं उस गुच्छे का हकदार बनूं, उस चाबी के गुच्छे का. और हमेशा याद रखें, उस चाबी के गुच्छे के हकदार आदमी या लड़की या औरत या मर्द वो होता है जो दादी या नानी या कोई बुज़ुर्ग उनकी नज़र में कदरदान होता है, जिसको चीज़ों की कदर होती है, जिसको चीज़ों का पास होता है. वो हमेशा मरते वक्त अपने ख़जाने की चाबी उसी के हाथ में थमाती हैं, जिस पे वो बहुत ट्रस्ट करती हैं. लेकिन एक बात तो तय है, कुछ लोगों को ख़जाना ना ऐसे बैठे बैठाए मिल जाता है उनके नसीब से. जैसे एक शख्स के हाथ अचानक खुदाई के दौरान कीमती सिक्के निकल आए, उसके हाथ ख़जाना लग गया. अच्छा, वैसे खुदा ना खास्ता मतलब कोई जलजला आता है या कोई भी ऐसी नागहानी आफत होती है और इमारतें गिर जाती हैं, कितना नुकसान होता है ना, और उस इमारत के गिरने से हमेशा मलबा ही मिलता है. लेकिन पोलैंड में मलबे के अलावा भी कुछ मिला, और वो क्या है, आइए चल के देखते हैं. अरे क्या याद दिला दिया. वैसे लोगों को ख़जाना मिलता भी नहीं, खो भी जाता है. मेरे पास तो मतलब टिकते ही नहीं ना जेवर, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं. दिल खट्टा हो गया मेरा, बनाना ही छोड़ दिए मैंने. अच्छा जी, तो यहाँ आज मैं आपको उन ख़जानों के बारे में बता रही हूँ जो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है. ना ये ख़जाने उन सेलिब्रिटी से कोई चुरा सकता है, ना कॉपी कर सकता है, बल्कि ये एक ऐसे बेशकीमत ख़जाने हैं जो सिर्फ हमारे सेलिब्रिटीज़ के दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे ऑडियंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में भी होते हैं. और ये ख़जाने होते हैं आपकी यादें, आपके किस्से. आइए देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ खुल जा सिमसिम में आपके लिए कौन से ख़जाने लेकर आए हैं जो उनसे कोई छीन नहीं सकता. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज के जो आज का टॉपिक है, उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और आप देख चुके हैं हमारे पास इस तरह का शो जिसका नाम हमने रखा था खुल जा सिम सिम. आज जो सेलिब्रिटी गेस्ट अपने ख़जानों के साथ
हमारे पास मौजूद हैं उन सबको मैं एक साथ बुलाऊंगी और हम ध्यान से बहुत ही मजे से उनके खजाने आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं आज के जो खजाने लिए सेलिब्रिटीज हैं उनको आपके सामने। यासिर नवाज है मेरे साथ, दानिश नवाज है मेरे साथ, नादिया हुसैन और तानिया हुसैन। वेलकम करते हैं हमारे चारों गेस्ट को। यासिर नवाज और दानिश नवाज किधर हैं? हम इधर बैठ जाए। वो जरा सस्पेंस बिल्ड कर रहे हैं ना अपना एंट्री का। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। ओके जी, दानिश नवाज एंड यासिर नवाज आप लोग भी आ जाएं अपने खजानों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं दानिश कह रहा हूँ, चिप्स का पैकेट गिर गया नीचे, वो उठा रहे थे हम लोग। ठीक ठाक है? सारे ब्लैक ब्लैक बने हुए, कुछ कोऑर्डिनेटेड हो गया, ब्लैक चल रही है। आप अवार्ड शो के ड्रेस पहन के आ गई यहाँ पे? अवार्ड शो तो तब जाऊंगी ना मैं। अभी आपको अवार्ड देता हूँ। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू तानिया। अच्छा, तानिया ये दे दो। अवार्ड ना दे, काम तो दे दे। अवार्ड दे दो, खुशबू लगा लोगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नादिया जी, सिर्फ आपकी वजह से मैंने इनको खुशबू की बोतल दी। मैं शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने इतना प्यार दिया, निदा का खास तौर से जिन्होंने मुझे शो पे बुलाया इतनी दफा। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी यासिर सर और दानिश सर से कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे लीड कास्ट करें। अभी हम आपसे ना एक एक्टिंग का ऑडिशन लेंगे, देखते हैं एक्टिंग की, मतलब आपने हमें थोड़ी एक्टिंग करके दिखानी होगी। ओके, फिर उसके बाद। अभी तो हमने आप लोगों के खजाने लोगों से शेयर करने, क्या क्या लेकर आए हैं आप खजानों में? भाभी खजाने में तो ऐसे तो बहुत सारा खजाना मेरे पास है, लेकिन जो लोकल खजाना है ना उसमें सिर्फ जिल्लत भरी हुई, इसलिए कोशिश करके मैं इंटरनेशनल लेके आया हूँ। है उसमें भी जिल्लत ही, लेकिन थोड़ी इंटरनेशनल लेवल। दानिश के पास चिराग भी है, उसको रगड़ता है और जिन निकलता है। खुद दानिश आईने के सामने खड़ा हुआ है, खुद ही कहता है अपने क्या हुकुम है मेरे आका। सही बात है, मैं आज भवे भी अपनी आज ही कटवा के आया हूं, वरना उसके भी शेफर बने हुए थे। अच्छा भाई, आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सबसे पहले किसका खजाना आप लोगों से शेयर करूं? आई थिंक नादिया जी का खजाना पहले मैं देखना चाहूंगा। हाँ नादिया, तो जी नादी तुम्हें कहना होगा खुल जा सिम सिम, और उसके बाद हमारे पास एक मासूम से जिन है, जिन वो है। आपका खजाना यहाँ तक आपको छोड़ के देंगे, यहाँ पे गार से लेकर। अच्छा, हाँ आपको जी जोर से कहना है खुल जा सिम सिम। यार ये वाकई, ये वाला जिन मुझे वाकई 200 साल पुराना लग रहा है। ये जिन, ये मतलब जाले तो नहीं लगे हुए इनको? पहली दफा मैंने थोड़ा सा कमजोर जिन देखा है, इसको ड्रिप वगैरह लगानी चाहिए क्या लगता है? ये जिन डाइट पर है, मोटे जिन देखे पहली बार। अच्छा, एक मिनोटनस खत्म हुई ना, एक ये खामखाम जिनको इतना भारी बड़ा ऐसे क्यों हम तसव्वुर करते हैं? तो इंसान भी तो ऐसे होते हैं। और फुल कैरेक्टर मैं तो, थैंक यू भाभी आपने मुझे जिन का रोल नहीं दिया, वरना मैं अंदर खड़ा होता डब्बा ला रहा हूँ। कुछ करना भी नहीं पड़ता आपका जो संदूक है वो आप यहाँ लेकर आइए और फिर देखिए कि आपका खजाना क्या क्या है। मुझे तो तुम्हारी जूती खजाने से भरपूर लग रही है। इतनी ब्लिंग है मेरी मेरी जूती जो है वही खजाना है इस वक्त। ओह माय गॉड, डायमंड ना चुरा ले कोई। ये वो जूती है जब बंदा क्या कोकाब में जाता है ना खजाना चोरी करने, तो इस चप्पल के चक्कर में दरवाजा बंद हो जाता है यार। अबे वो तो रह ही गई। ओके, क्या दिखा रही हूँ, क्या क्या शेयर करी नादिया हमसे? सबसे पहले ये क्या है? ये है इरेजर्स, ये रबड़ रबड़ जो होता है। अच्छा, तो ये क्या सीन है इसका, रबड़ का? तो इसका ये सीन है कि जब मैं क्लास 2 में थी
तो हम, मैं और मेरी एक दोस्त, अच्छा, हम हर एक से इरेजर चोरी करते थे. चोरी? हाँ हाँ हाँ. कोई भी इरेजर, छोटा बड़ा, अच्छा बड़ी फैंसी किस्म के इरेजर्स भी होते थे. हाँ. तो वो हम लोग, मतलब अगर किसी की ऐसे नजर पड़ी ना, और किसी की नजर ऐसे चुंकी, हाँ, वहीं से जाके इरेजर. दोनों ये गैंग, हाँ, चोरी होती थी. हाँ हाँ हाँ. मतलब मैं और मेरी दोस्त, हाँ, हम लोग इरेजर चोरी. कभी पकड़े नहीं गए? पता नहीं, उससे मुझे याद नहीं है. हाँ. लेकिन ये मुझे याद है क्योंकि मुझे ऑब्सेशन था इरेसर्स का. खूबसूरत किस्म के इरेसर्स, बड़े यू नो फैंसी. हाँ. और पता नहीं खप था मुझे इरेसर्स. और फिर इतनी कलेक्शन हो गई थी, पर अम्मी को भी शक होने शुरू हुआ कि ये क्या है, ये कहाँ से ये इरेजर्स आ रहे हैं इतने. फिर अम्मी को पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला, अभी पता चला होगा. हाँ, अब मैं पता नहीं चला. खुद भी भूल गई होंगे ना, मैं बचपन में ये करती थी. पेंसिल के ऊपर नहीं होते थे, पिंक कलर के जो. हाँ. गोल्ड उसमें सिल्वर में. हाँ. वही यूज करते थे हम. हाँ. मैं तो जो लिख देता था फिर मैं मिटाता नहीं था. ये मेरी खासियत थी. वो इस टॉयलेट के टीचर भी गुजरे. पेन तोड़ देते, पेन तोड़ देते, लिख के तोड़ देते. तोड़ अच्छा खत्म, आखिरी रूप खत्म खत्म. आप आगे दिखाओ और क्या है तुम्हारे खजाने में भाई. ये है इलास्टिक. अच्छा, इलास्टिक का ये है कि मेमोरीज इसके साथ ये है कि यू नो लाइक आई डोंट नो, शायद तुमने भी खेला हो, लेकिन ये आई थिंक मे बी क्लास फोर से लेके या क्लास, हाँ क्लास फोर से लेके क्लास सिक्स सेवन तक जो है एक गेम होती थी इलास्टिक के साथ, उसका नाम था कीश. अच्छा, मैं मुझे याद नहीं है. नहीं. हाँ. वो इलास्टिक का ना एक पूरा इतना बड़ा लाइक यू नो वो बनता था एक सर्कल. हाँ. अच्छा. और फिर एक इलास्टिक के अंदर इधर और एक इलास्टिक के अंदर इधर, और फिर उसको जो है वो आप बगैर अपने पांव टच किए और बगैर हाथ टच किए आपको जो है वो अंदर घुसना होता था. मतलब, और मतलब कि वो इलास्टिक जो है वो यू नो मैंने अपने वेस्ट पे लगाई हुई है. तो अच्छा. पहले एंकल से शुरू होता था. अच्छा. एंकल, उसके बाद फिर नी, फिर शिन, फिर नी, फिर हिप, फिर वेस्ट, फिर गर्दन तक वो आ जाता था. फिर हम लोगों को जो है ना चढ़ना पड़ता था अंदर. तो फिर यू नो टांग ऊपर करो, उसके बाद वो इलास्टिक को खींचो. अच्छा. फिर दूसरी टांग अंदर करो, उसके बाद फिर पूरी टीम्स होती थी. वो सारों को इकट्ठे अंदर जाना होता था. हाँ. और फिर यू नो आपको बड़े तरीके से उसको करना पड़ता था, उस गेम को खेलना पड़ता. अच्छा, फिर इस गेम में आखिर में कोई जिंदा भी बचता था? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ कि ये तो कोई गले तक आ गया, सफोकेशन हो जाए मुझे. ये गेम ही था या ये मतलब सजा थी? सजा थी. नहीं नहीं नहीं, जो दूसरी जो टीम थी ना उनकी पता नहीं मुझे एग्जैक्टली उसके रूल्स याद. ये याद है, लेकिन जब गले तक गर्दन तक पहुंचता होगा ना फिर कोई ऊपर नहीं पहुंच सकता. याद आधी पहुंच सकती हूं. हां ये था क्योंकि जो मैं क्योंकि लंबी थी तो मेरी हाइट और मेरी एक और दोस्ती जो हम लोग टीम में जब होते थे तो हम दोनों लंबे हाइट के होते, तो हमारी जो ऑपोजिट टीम की जो लड़कियां थी अगर वो छोटी हाइट की होती थी तो उनको जो है फिर प्रॉब्लम होती थी हमारी गर्दन तक पहुंचने तक. हाँ. तो फिर वो आउट हो जाते थे क्योंकि उनको वो पहुंच नहीं पाती थी. तो बड़ी मुश्किलों से फिर इन वो, लेकिन ये इतनी मजे की गेम थी कि हम लोगों का पूरा ब्रेक टाइम जिम्नास्टिक हो जाता था उसमें से. हाँ हाँ, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी वाला ये यू नो गेम थी. फिर यू नो ब्रेक टाइम में और उसके बाद छुट्टी के वक्त में भी यू नो वी यूज्ड टू ऑलवेज बी प्लेइंग दिस गेम. सो आई एम नॉट श्योर कि यू नो ये इस गेम का नाम हम लोग इसको बोलते थे कीश. हमने खो खो, पिट्टो बारी, हमने ये खेला है. ताकि तुम कौन सी गेम खेलती हो? ये जो आप चप्पल, जूता, जूता तो मैं खाले के हर एक की मेमोरी में जूता होगा. मतलब अम्मी से खाना जूता है? हाँ, बचपन वाला जो जूता है वो जो है खींच के पड़ा है. और अच्छा, मतलब कि वो हमें नहीं, मतलब मैं सीढ़ियों पे थी और उन्होंने फेंका और लगा सही निशाना. उसके बाद फिर जो ना ये चप्पल उठा के हम लोगों को बैक साइड पे करके पिटाई होती. कोई नहीं बचा पाकिस्तान में चप्पल से. ना बचा चप्पल से, कोई नहीं बचा जूते से, कोई नहीं बचा. हमें खाली हमारी जो जनरेशन है आई थिंक डेफिनेटली हम तो चप्पलों जूतियों से नहीं बचे. नहीं बचे हमारे बच्चे तो डेफिनेटली बचे हुए हैं. सबसे ज्यादा लड़ाई
की वजह से ही तुमने जूते खाए हैं? हाँ अम्मा से। हाँ 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 ये हाँ। लड़ाई की एक लड़ाई या कुछ पढ़ाई के ऊपर भी खाए? नहीं पढ़ाई के ऊपर नहीं, जब हम लोग आपस में लड़ते थे उसके ऊपर, क्योंकि हमारी फिर लड़ाइयाँ भी जो होती थी वो बड़ी हाथापाई। पढ़ाई तो मैंने नोटिस किया कि एक्टर जितने भी है माशाल्लाह है वो पढ़ाई में तो टॉप रहे, कभी मैंने नहीं सुना कि ये हमारी पढ़ाई में थोड़े से हम, ये अच्छी बात है। बाकियों का पता नहीं, मैं असल प्रायोरिटी ये कह रही, मैं असल में टॉप पे रही। हाँ ये असल में टॉप पे रही है, इसीलिए तो मसला है रिजल्ट उल्टा सबको। ये एक्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा ये ओवरकोट ओवरकोट की ये कहानी है कि मैं क्लास सिक्स में थी और मुझे यू नो लाइक एक्टिंग का मतलब एक पार्टिसिपेशन में हर चीज़ में ना बड़ा मुझे शौक होता था, स्कूल का क्वायर, नाच, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, लेकिन मुझे कभी फीमेल लीड रोल नहीं मिलता था। और मैं इतना क्लासिक्स की बात कर रही हूं। हाँ उससे पहले भी मुझे फीमेल लीड रोल ना बड़ा मुझे होता था कि सपोर्टिंग वगैरह मिल जाता था। हाँ मतलब यू नो कि वो बीच में कहीं पे घुस गए यू नो उस किस्म का मिल जाता था। तो मैं इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है। और मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी फीमेल लीड रोल की लेकिन मुझे नहीं मिला। अच्छा फिर मैंने क्या किया कि मैंने मेल लीड रोल का मैंने प्रैक्टिस की और फिर मैंने पूरा गेटअप बनाया उसमें ये शेक्सपियर का प्ले था मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। अच्छा। तो उसमें जो आई डोंट नो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस किस किसने पढ़ा है, लेकिन जो शाइलॉक कैरेक्टर है वो उसका जो लीड विलन का कैरेक्टर है वो था कैरेक्टर। अच्छा। उसका ना जो बड़ा जो लुक थी वो जूश किस्म का था, वो ओवरकोट एंड दाढ़ी शाड़ी यू नो टोपी। तो ये मेरे अब्बू का एक कोट था ओवरकोट जो ऑफ कोर्स मेरे से को 10 साइज बड़ा था। वो कोट मैंने लिया क्योंकि वो इतना लंबा था मेरे लिए, वो कोट मैंने लिया, मैंने अपना पूरा गेटअप बनाया, दाढ़ी शाड़ी लगा के टोपी शोपी करके और मैं ऑडिशन पे चली गई। वो तो फिर फॉरन सेलेक्ट हो गई क्योंकि वो और वो ओवर कोट जो है ना, क्योंकि वो पहली दफा मतलब मैंने इस किस्म का इतना बड़ा ओवर कोट और जाहिर है वो मेरे यहाँ तक लटक रहा था यू नो। लेकिन आई रिमेम्बर दैट बिकॉज उसमें इतनी एफर्ट एंड मेहनत एंड देन और तुम्हें मिली सक्सेस। हाँ द सक्सेस वाज कि मुझे जो एक लीड में चाहिए था रोल वो मिल गया। वो मिल गया। ओ ग्रेट ग्रेट, ओ जबरदस्त। अच्छा ओके स्लाइड। हाँ झूला झूला। हाँ ये मुझे याद नहीं है कि कौन क्या मतलब कौन सी मैं क्लास में थी या क्या एज थी, लेकिन छोटी उम्र की ही थी लाइक 10 से कम की होंगी। मैं गई थी हिल पार्क। अच्छा। वहाँ पे बहुत एक बड़ा स्लाइड है यू नो जिसमें कोई मतलब कोई तीन उसके वो है यू नो जो वो बम्प्स आते हैं वो है भी उसका सीमेंट का है। सीमेंट का यस गोल घूम रहा है उसमें वो सफारी पार्क वाला है गोल घूमने वाला सीमेंट। अच्छा उसमें क्या हुआ कि मैं क्योंकि जाहिर है बच्चियां हम लोग जब छोटे थे तो ड्रेस पहनते थे, अब जब वो ड्रेस में मैं सीमेंट वाले वो घिसा हुआ सीमेंट के ऊपर जब मैंने स्लाइड डाउन नीचे करने शुरू किया मैं तो फंस गई क्योंकि मेरी स्किन रगड़ने शुरू हो गई उसके ऊपर और पीछे से बच्चे आ रहे हैं और वो मुझे धक्का दिए जा रहे हैं, पीछे से मेरी टांगे चिपकी हुई है मेरे साथ और मैं उसके ऊपर ऐसे घिसते 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 आई कांट टेल यू वो कितना पेनफुल था। उसके बाद में मैं हाली कोई 2 हफ्ते बिस्तर पे पड़ी रही हूँ, पूरी मेरी यहाँ पे रैशेस और मैं चल भी नहीं सकती थी और यू नो माय मदर वाज लाइक ये तुमने क्या किया है, मैंने कहा अम्मी वो बस स्लाइड पे चली गई लेकिन वो उसके बाद मैंने तौबा की कि कभी भी आइंदा किसी सीमेंट वाले स्लाइड पे मैं नहीं जाऊंगी बहुत ही खुदा के लिए उसको सही करा लें अगर अभी भी वो घिसा हुआ है, फिर पता नहीं कितने सालों बाद कोई और लड़की सुना रही हो ये किस्सा। हां वो अब मुझे हॉरर को बनाओ हॉरर दरख्त नहीं है अंदर कोनो बनाया हां याद नहीं मुझे खैर नहीं नहीं वो फनलैंड टाइप का होता था वहां पे अंदर आप जाते थे वो मारते थे कपड़ा मारते थे वो सारे हॉरर हॉन्टेड हाउस टाइप का सब उन्होंने रखा था। अच्छा साइकिल आई थिंक के बहुत एक आम एक मेमोरी है सबकी, लेकिन ऑफ कोर्स साइकिल जो है वो बचपन में मैंने बहुत चलाई उसके बाद फिर साइकिल जो है वो यू नो ऐसी एक मेमोरी मेरी है क्योंकि मैं अपने कॉलेज के दिनों में भी अब यू नो उस वक्त तक आप यू नो काफ़ी एक लाइक यंग आप एक यू नो यूर अ यंग वुमन, लेकिन उस वक्त भी मैं साइकिल पे
मेन रोड पे चला के मैं जाती थी नियर बाय क्लब. अच्छा. अपनी स्विमिंग वगैरह करने के लिए नॉर्थ. हाँ. तो मेरी अम्मी भी बड़ी परेशान होती थी कि यार क्या तुम तुम मतलब साइकिल बड़ी हो गई हो, अब बड़ी हो गई हो. हाँ, हाँ. वही चीज की बड़ी हो गई हो. लेकिन मैं कहती थी कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे तो जाना है. बिकॉज उस वक्त गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी. तो मैंने कहा ठीक है फिर आप अगर मुझे नहीं लेके जाएंगी तो फिर मैं खुद चली जाऊंगी. तो मैंने कहा कि भाई अब साइकिल मुझे चलानी आती तो मैं जाऊंगी. तो बस अब फिर मैं चली जाती थी. तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई. हाँ. लेकिन ये कि तो यू नो सख्ती इन द सेंस कि हाँ, लेकिन क्योंकि साइकिल थी एक मेरे पास, वो एक फ्रीडम थी, तो मैंने उसको यूज किया एंड आई यूज टू मेक द मोस्ट ऑफ इट और लेकिन ये बचपन से आई थिंक हमारी जो एज ग्रुप है वो हम लोगों ने मेरे ख्याल हर एक की मेमोरी साइकिल के साथ तो है. यू नो बिकॉज बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हमारी जो है ना बचपन जो है वो गुजरा है साइकिल्स पे. फराज को एक दफा रेंट पे साइकिल ले गया. हाँ. और फिर नॉर्मल शाम को घर आ गया तो वो पीछे ना लोग आ गए वो साइकिल वाले. हाँ. भाई जान साइकिल लेकर गए. फिर वो सब बोला भाई नहीं नहीं मैं तो कोई साइकिल नहीं. बोला यार लेकर गए आप इतने में? बोला नहीं मैं तो मुझे तो याद ही नहीं. वो फिर एक दो दिन बाद मस्जिद से मिली, वो कहीं साइकिल लेके कहीं चला गया. अच्छा, गया और वापस पैदल आ गया. रेंट पे ली थी. ओ माय गॉड. साइकिल वहां खड़ी करके पैदल आ गया. वो कह रहा मैंने तो ली नहीं, क्या हो गया, कब की बात है. ऐसा भी होता है. माइकल जैक्सन. अगेन माइकल जैक्सन बचपन की यादों में सबका फेवरेट भाई, सबका फेवरेट. अब आजकल की भी बच्चों का फेवरेट इज माइकल जैक्सन. यू नो जो पुराने गाने एंड एवरीथिंग. लेकिन हम लोग बचपन में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग माइकल जैक्सन या मैडोना या जो भी इन लोगों के गानों के ऊपर हम लोग जबरदस्ती अपने पेरेंट्स को बिठा के उनसे पैसे लेके हम लोग शो परफॉर्म करते थे. oh. और वो भी इनके गानों के ऊपर और पूरा डांस परफॉर्मेंस घटिया तरीन मूनवॉक करते होंगे. हाँ मतलब इतना बुरा होता था कि हमारे पेरेंट्स और हमारे जितने भी रिश्तेदार और जितने भी लोग होते थे वो कहते थे कि फिर से ये लोग हमें बिठा के पैसे लेके 10-10 रुपए सबसे लेते थे. अच्छा. जबरदस्ती की जी अब सब बैठेंगे हमें सब पैसे देंगे और हमारा शो देखेंगे. तो यू नो ये एक बहुत ही एक फॉन्ड मेमोरी है जो हम लोगों ने बहुत यू नो अपने कजन. हमारे बच्चों ने बड़ी अकलमंदी की. हमारे बच्चे क्या करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दानिश की बेटी दानिश बन गई या यासिर जो है यासिर की बेटी यासिर बन गई. इस तरह सब सारे बच्चे जो है ना वो इन लोगों को ही पोर्ट्रे करके इन्होंने हमें शो दिखाया. हमारा हंस हंस के बुरा और हमें खुद ही नहीं पता था कि हम लोग ऐसे करते हैं. जो ये लोग थे ना मतलब जो लोग जिस तरह एक्ट करते हैं उन्होंने वही एक्ट किया तो हम लोग बिल्कुल बोर नहीं हुए. मजा आया. अच्छा अच्छा अब लंदन आई की ये है कहानी कि ये शायद मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन ये कि मैं गई थी शहजाद रॉय के साथ लंदन. हम लोग गए थे एक गाने की शूट करने के लिए. तो वहाँ पे एक हम लोग को सीन करना था लंदन आए पे. अच्छा लेकिन अब लंदन जब हम लोग गए यू नो वहाँ पे शूटिंग के दौरान हम लोग को प्रॉपर खाने का टाइम ही मिलता था. हाँ. तो हर वक्त फास्ट फूड. अब अगर इतना आप फास्ट फूड खाएंगे तो हाँ. फिर एक जो साइड इफेक्ट है इसका वो हाँ. है कॉन्स्टिपेशन. तो लंदन आए पे हम लोगों ने टिकट ले के एहसन रहीम था और शहजाद और मैं हम सारे ना मतलब हाँ. टिकट ले के अब लंदन आए का चढ़ने वाले. हाँ. मैंने कहा यार वही बात 45 मिनट्स वाली बात. मैंने कहा यार मैं जरा टॉयलेट हुआ हूँ और वो टॉयलेट जाने के चक्कर में मैं खाले 1.5 घंटा लाइन थी. नहीं नहीं तो? अच्छा ओके. कॉन्स्टिपेशन की वजह से मैं फंस गई अंदर और पीछे से ये लोग मुझे आवाजें दे रहे. फिर उन्होंने पैगामात भेजना शुरू किए लोगों के साथ. नादिया हुसैन यस आई एम हियर आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स. लेकिन वो 2 मिनट भी 20 मिनट पता नहीं क्या हुआ मुझे तो याद भी नहीं. लेकिन इट वॉज सच एन एम्बेरसमेंट बिकॉज जब बाहर में निकली फिर मैं चुप ही कर गई. यार 4 दिन के रोजाना के
फास्ट फूड का साइड इफेक्ट है ये. जबरदस्त. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद और भी खजाने हम आपसे शेयर करेंगे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में खुल जा सिम सिम. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त आपने पहले सेगमेंट में सुने नादिया हुसैन के मजेदार, वो जो कहते हैं ना कि खजाने जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, ये वो सारे वाकयात हैं जो आपने इससे पहले हमारे शो पे कभी नहीं सुने होंगे. हम पहली दफा तुमसे ये चीजें सुन रहे हैं. और अब जो है खुल जा सिम सिम की बारी है यासिर नवाज की. अच्छा मेरी बारी जी. जरा जोर से आपने बोलना है. बोले बोले बोलो. खुल जा सिम सिम. ले आ जिन जिन. ये सिर्फ दानिश से ही कर सकते हैं कसम से. वैसे क्या जिन की तरह चल रहा है. ग्राइंड जरा लीजिए पेट को. अच्छा रखना यार दो भाई सामने ही रख दो. हाँ क्योंकि यासिर की अक्सर जो खजाने हैं वो तस्वीरों के थ्रू आएंगे अभी. अच्छा हाँ हाँ भाई. अच्छा भाई ठंड लग रहा है. शुरुआत हुई बहुत ही खजाने. ये तो उन्होंने बड़ा बड़ा अंग्रेजी टाइप का फेस्टिवल बना दिया. तो मेला होता है जो हमारे पाकिस्तान कराची में अक्सर होते हैं मेले चले होते हैं फेस्टिवल. तो कॉलेज लाइफ की बात थी. तो अब हम बादरा वाक पे ग्राउंड कौन सा है कोकन ग्राउंड कौन सा था? कोकन जो अभी हाल है वो जो भी उसमें कोई मेला लगा हुआ था. अब हम कॉलेज लाइफ और यंग 6-7 लड़के एक ही गाड़ी में बैठ के हम पहुँच गए. अब वहाँ पहुँचे तो हमें पार्किंग ना मिला. अब हमें एक्साइटमेंट अंदर जाने की, गोल घूम रहे हैं पार्किंग नहीं मिल के दे रही. तो अब हम बेजार होकर हमने एक गाड़ी के पीछे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी ना. उस अगली गाड़ी जो प्रॉपर पार्किंग में लगी हुई थी उसको हमने ब्लॉक कर दिया. अब वो गाड़ी हमने खड़ी कर दिया. ऐसे हम अंदर चले गए. अब अंदर गए तो किसको कि बाहर गाड़ी किस तरह लगा कर आए. वो एज भाई हम घूमते घूमते 1:30-2 बजे कोई ख़त्म हुआ रात को. रात को हम बाहर निकलते हैं देखा क्या हमारी गाड़ी की जिस गाड़ी को हमने ब्लॉक किया हुआ था उसकी आधी फैमिली फुटपाथ पे बैठी थी और उसके 2-3 मर्द हमारी गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहे हैं और खवातीन तो औरतें तो लड़के हो रहे और खड़े हमें बेटा गए काम से तो आज बड्डा हो ही हो. अब मैं हमने साइड में हो गया बेटा ये तो मुझे एक आइडिया है. तो डायरेक्टर तो बाद में बोला लेकिन दिमाग काम कर रहा था जमाने में. आइडिया है हम पहुँच गरीब गए गुजरते उस गाड़ी के पास से गुजरे. अंकल क्या हो खैरियत. पता नहीं कौन चार गलियां देखे गाड़ी पार कर गया. नहीं यार किसकी गाड़ी पता नहीं कौन. अब हमने क्या किया कि एक जेब से चाबी निकाली किसी दोस्त की ना दर लगा के देखे. अब हम उनकी हेल्प कर रहे हैं अपनी गाड़ी की चाबियां मुख्तलिफ लगाते लगाते फाइनल हमने जो असली चाबी थी ना उससे खोल दिया. खुल गया खुल गया खुल गया. अरे बेटा थैंक यू यार आप लोगों ने कहा मसला. हम पीछे 1.5 घंटे से अखबार हो रहे हैं हम लोग. थैंक यू बेटा गले लगाया थैंक यू किया उन्होंने हमारा. हमने गाड़ी न्यूट्रल करके धक्का दिया पीछे की गाड़ी. गाड़ी निकली आके फिर जाके हम बैठे आगे. तुम दबा के भागे हो गए. अरे ऐसा भागे आप. थैंक यू आप 200 मांग आंटी. थैंक यू नहीं 200 रुपए दे दें चले. अरे भाई तो हम तो गए ना जिस तरह फैमिली बैठी थी फुटपाथ पे और जो हम गाली सुन रहे थे अपने और आधी गाली हमने भी दी अपने आप को. यार पता नहीं कौन जाहिल लोग हैं यार ये. शांत तरीके वो किस्सा मजे का किस्सा था कि किचन किचन का क्या था. अरे मक्खियां भी निकलनी है डब्बे में से. मक्खियां कोई किस्सा नहीं इतनी पुरानी. किचन का किस्सा. हां भाई मैं सीरियल कर रहा था शक. मेरा उस वक्त काफी वेट हुआ था वजन काफी बड़ा हुआ था मेरा. तो एक सीन था जो किचन में सीन था अधी का और आयशा का और मैं साथ में डडी किचन था. हाँ. तो मॉनिटर शॉनिटर लगा के हम उसमें 3-4 लोग बैठे हुए थे. उस सीन में मैंने अदील हुसैन और आयशा खान. आयशा खान का सीन था शक सीरियल में. अच्छा तो उस सीरियल में को मैंने किसी पे डांटा वांटा भी मैंने किसी को आर्टिस्ट को नहीं किसी टीम मेंबर को असिस्टेंट को किसी को किसी. तो फुल मेरा भरम चल रहा था. सीन भी बड़ा इंटेंस सीन था बड़ा टेंशन वाला चल रहा है सीन. माहौल पूरा अजीब सा हुआ सीरियस हुआ था ना और डायरेक्टर और ज़्यादा सीरियस हुआ हुआ है. वो प्लास्टिक की नहीं कुर्सियाँ आती हैं जो आजकल अक्सर लॉन में नजर आती हैं वो रखी हुई थी. मैं बैठा हुआ कैमरा रोल एक्शन. अब मुझे फील हुआ कुछ हो रहा है कुर्सी पर. मुझे नहीं वह है मेरा अभी वो सीन चल रहा है और इंटेंस सीन चल रहा है. आयशा की आंखों में आंसू तो ये अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है और मैं भी इन्वॉल्व हुआ हूँ. चारों
पाँव खुल गए जिसको डांटा था वो भी मुंह उधर कर रहे हैं, मैं शर्मिंदा, मैं कहा यार ये कुर्सी सही नहीं है भाई, कुर्सी नहीं थी जबकि मेरा वजन बढ़ा हुआ था, मैंने कुर्सी सही नहीं मारी, मैंने डाल दिया कुर्सी के ऊपर, तो चेयर सही नहीं है और चेयर इतनी सही थी कि उस स्टिकर लगे हुए थे, नई चेयर थी वो। हमारे उसी एज में जब हम जाते थे फेस्टिवल्स में उस एज में उसमें घुसते थे ना हम लोग, अच्छा किस तरह बस जुगाड़ बन जाए, किस तरह अंदर चले जाए, तो हमारे छह छह आठ आठ लोगों का हमारा टोला होता था, तो हमारी कोशिश होती आज भी फला कॉन्सर्ट है या फला जगह ये है, तो एक में गया तो वहाँ बड़ी सख्ती थी, बड़ी हाँ। सीरियल था जिसका चांद ग्रहण, उसका भी शो था, तो फाइव स्टार होटल वहाँ पर सिक्योरिटी शिक्योरिटी सख्त है, और ये उन दोस्तों में हमारा एक दोस्त था छः साढ़े छः फट का अरशद, तो उसका ये होता था कि उसको कोई रोकता नहीं था, क्योंकि साढ़े छः फट हाइट बिल्ड और चेहरे पर खौफ था उसके ना, उसको कोई रोकता नहीं था, और हमेशा उसके हम आसरे में जाते थे, उसको आगे रखते थे, पीछे हम पाँच बंदे मुफ्त में घुस गए हम लोग। अब हम पीसी में अपना होटल में बैठे हैं फाइव स्टार होटल में, और हमने इसको भेजा कि तू जा अंदर से, किसी ने बताया अंदर से पासेस ले आए ना कोई, तो ये वही पासेस रिपीट हो जाएंगे। अच्छा भाई हम बाहर बैठे हैं, वो अक्षर चला गया अंदर, अब हम दूर से देख रहे हैं उसको, वो करीब गया रोका बंदे ने उससे ऊपर से देखा उसको, उसको जाने दिया अंदर ना, अब हम इंतजार में बैठे अंदर से कुछ पासेस लेकर आएगा, आधा और चाबी उसके पास थी, गाड़ी उसी की थी, आधा घंटा एक घंटा दो घंटा ढाई घंटे बाद बाहर आता है, कहता बड़ा मज़ेदार शो था यार बहुत मज़े, मैं हम बाहर बैठे ढाई घंटे से, अरे तू बोलने में ऐसा था थोड़ा सा, मैं कहा हम बाहर बैठे हैं तू पास लेकर आया, बोला यार वो जगह मिल गई तो शो तो मज़े का था, मैं उठाई नहीं, हम तो ढाई घंटे बाहर बैठे रहे गाड़ी यार हमारा दोस्त गया शो देखने, क्या हुआ यार मैं अब यहाँ कैसे है दोस्त शो देखने गया, मज़े का हुआ था हमारा, हाय हाय ये क्या है थाईलैंड में, ये तो बड़ा खतरनाक किस्सा है ये भाई, ये हाथी है और नीचे यासर लेटा हुआ है उल्टा उल्टा ना समझिएगा, नीचे हाथी है ऊपर यासर। थाईलैंड में हम गए तो एलिफेंट शो था, थाईलैंड था कनाडा था, नहीं नहीं थाईलैंड था, अच्छा तो पहले मुझे तो मैं पकड़ूं ग्लेयर आ रही है, उन्होंने अनाउंस किया कि कौन फुटबॉल खेलेगा, गोलकीपर बनना है और हाथी आके ना वो किक मारेगा बॉल को और आपको गोल रोकना, बॉल रोकनी है, तो मेरे बेटे ने हाथ उठाया तो उसका नंबर नहीं आया, किसी और बच्चे का नाम आ गया, उसको बुला लिया, तो मेरे बेटे को बड़ा था कि फरीद को गया मैं भी जाता था, उसको बुला लिया, तो अब सेकंड टाइम कोई अनाउंसमेंट हुई तो मैं अनाउंसमेंट पहले निदा से उससे बात कर रहा हूँ, मैंने सुना नहीं क्या बोला क्या इन्होंने, उससे बोला था मसाज कौन, एलिफेंट मसाज कौन कराएगा, मैंने सुना ही नहीं, मैंने ऐसे हाथ उठा लिया, बुला लिया मुझे, मैं देखा अकेला, मैंने याद उठाया पूरे स्टेडियम में मैं अकेला था ऊपर, क्या किया मैंने ये, अब डैडी जाए क्या है डैड, बच्चे मेरे एक्साइटेड कि उनको तो नहीं पता तो होना क्या है, अब वो नीचे एक मैट्रेस बिछा दिया उन्होंने, मुझे लिटा दिया, मेरी हालत मगर यार मैंने हाथ उठा के गलती की, बच्चों ने मुझे बकअप किया, मैंने कहा डैडी जाए, बच्चे छोटे थे हमारे, बच्चे छोटे थे, अब मैं लेटा हूँ या अल्लाह रहम या अल्लाह रहम, हाथी आया मैं ऊपर देखूँ, हे हाथी मेरे ऊपर खड़ा हुआ आगे ना आगे, मैंने तो आगे सूंड से ना फूके मारी कानों में, तो वो हुआ फिर उसके पाँव रखा, शुक्र पाँव हल्का टच किया, लेकिन देखो कितनी देर तक रखा रहा, तस्वीर खींची बहुत देर तक रखा रहा, हालत टाइट हमारी, मैंने कहा लमियो ये क्या, वो जोर नहीं दे, जोर कैसे देगा, हम लेकिन दूसरे को तो यही हो कि पता नहीं अगर उसने वजन रख दिया तो गया काम से, और थाईलैंड मुझे वापस अकेले आना पड़ा, हाथी तू पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, मैं और क्या, और दूसरा कुछ भी, आप कोई खौफनाक कुत्ता खड़ा हो उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, मैं हाथी के नीचे खड़ा हूँ बैठा लेता हूँ, वही नॉर्मल जानवर भी अगर हो तो आप उसके सामने नहीं खड़े तो डर लगता है, इत्तेफाक से मैं अपने हम लोग भी गए थे ना तो वहाँ पे फ्रेंड था मेरा, इस यही किस्सा हुआ, उसने ही हाथ उठाया, मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये ना जाए, क्योंकि मुझे पता था यासर वाला, हुआ तो कुछ नहीं लेकिन एक खौफ होता है कि यार भाई आती अचानक आती कुछ भी हो जाए, परेशान हो जाए, उसको भूख लगी हुई हो और शो खत्म ना हुआ, गुस्सा आया हुआ ना, उसको तो नहीं पता मेरे लात कितनी पावरफुल है, ये क्या है सनग्लास यार, ये मेरे ब्रांडेड ग्लासेस हैं, हाँ रेबन के, हाँ
अच्छा मैं इससे पहले चश्मे लेता था 500 वाले 400 वाले 100 वाले मैं महंगे चश्मे लेते ही नहीं था और ना पैसे होते थे इतने तो फिर मुझे किसी बताया वहाँ से गुम भी 200 का चश्मा 500 का चश्मा गुम हो गया फिक्र भी नहीं ये चश्मा मैंने महंगा चश्मा लिया होगा यार ये लूंगा मैं ये टोटल मैंने 3 दफा पहना होगा इतना महंगा चश्मा लेके ये घूमना हो घूमना यार घूमना हो रहा है इतना महंगा चश्मा ले तो लिया मैंने ये घूमना हो रहा है आज अभी पड़ा मेरे पास और नीचे मैंने निकाला मैं यार ये तो मैंने टोटल 3 से 4 दफा पहना होगा जब लेके जाता मैं यार वहाँ सेट पे जाऊंगा तो वहाँ इतने लोग होंगे भूल गया गुम हो जाएगा मैं प्राइस नहीं बता रहा ठीक ठाक महंगा है तो मुझे अब याद आता है मैंने टोटल पहना ही 4-5 दफा मुश्किल से और उसकी प्राइस बढ़ भी नहीं रही वहीं रखी बंदा गोल्ड का आज पहन लूंगा ढीला भी हो गया ये बड़े माय गॉड मुंह बड़ा हो गया या आज शो में ही किसी को दे दो आपको देख के कोई आदमी उसकी मैं इत्तेफाक से मैं निकाल रहा हूं हमारा सही है 300 रुपए वाला हां लेकिन मुझे ये हुआ कि मैंने मैंने फिर ये भाई महंगे ग्लासेस लो ना ये भाई आप जब मोटे हो रहे होते हैं तो आपको जो टोटके और देसी नुस्खे और ये जो मिल रहे होते हैं तो ये मुझे किसी ने लागे बोला जैसे आप जिसमें आप पानी पियेंगे ना तो यूं वजन गिरेगा आपका तभी आप इससे पानी पीते थे हाँ लेकिन कद्दू नहीं गिरा आपने मुझे तो बताया नहीं ये वाले राज मुझे मुझे आई थिंक हाँ राज उस तुम्हें ओपनली नहीं बताना चाह रहा हूँ ये कुछ चीजें होती है आप ये पुरानी बात है शादी नहीं हमारी जो मैं मोटा होना शुरू हो चुका था वो भी ग्लास में देखा हूँ पड़ा हुआ है मुझे किसी ने बताया कि भाई ये आप पानी से पानी पिए दुबले हो जाएंगे एज ऐसी होती है ना बंदा बन जाता है लेकिन आपने अभी तक रखा हुआ है मतलब अभी तक आपको होप है कि शायद अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं इस्तेमाल तो किया मैंने जी पतला नहीं हुआ ये नहीं इस्तेमाल नहीं किया अच्छा ये शूज यार ये शूज मुझे याद नहीं आ रहा है वही है या दूसरे हैं किस्सा तो है याद है लेकिन वो शूज मुझे याद नहीं आ रहा किस्सा क्या था स्कूल कॉलेज की लाइफ की बात है मैं लाइट हाउस गया ना शूज लेने सुना देता हूँ किस्सा ये शूज़ वो है नहीं तो मैं वही सस्ते का कड़की का दौर होता था शूज़ लेने चले गए हम लोग तो एक शॉप पे गया मैं तो मैंने पूछा मुझे बड़ा अच्छा लगा शूज़ वही कितने गया खान साहब तो उसने अपनी शॉप के आगे ना एक रस्सी बांधी हुई थी और खुद दो बंदे खाना खा रहे थे जाओ जाओ बंद है दुकान देख देना खाना खा रहे चलो ऐसे चलो मैं ऐसी बेइज्जती फील किया यार मैं तो शूज़ लेने आया था और इतनी बेइज्जती से बंदे ने निकाला कि देख नहीं रहा खाना खा रहा और रस्सी बांधी है छोटी सी जो नज़र में नहीं आ रही मुझे बात दिल में रह गई मैं कहा यार ये बेइज्जती कर दी सबके आ गया जबकि मैं एक्टिंग कुछ भी नहीं था पढ़ाई कॉलेज थी खैर मैं कोई 15-20 मिनट आधा घंटा घूमता रहा 15-20 मिनट मैं वापस आया उस शॉप के पास था अब मैंने उसको जान मुझे देखे बगैर मैंने खान साहब उसी किसी और जूते बात रखा मैं अच्छा वो जूते उस जमाने होते थे 500, 250, 800 इतना इससे ज़्यादा नहीं होते थे मैं लाला ये दे रहा हूँ 3,000 रुपये में अरे माफ़ करना यार खाना बंद पड़ा हुआ इधर आओ मगर नहीं 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 खाना दुकान बंद पड़ी अभी नहीं आऊँगा क्योंकि रस्सी लगी हुई थी उसमें अब वो बेचारा रस्सी खुशी से बाहर आ गया अच्छा ले जाओ चलो ले जाओ 3,000 रुपये वो था 250 रुपये का ऐसे गया 250 के 3,000 मिल रहे हैं और लंच ब्रेक हुआ हुआ है और मैंने मिस कर दिया ये मगर नहीं अब नहीं लूँगा वो रात में सोया नहीं होगा इस चक्कर में लिया आपने आज लूँगा जो लेना नहीं जान के बदला ले रहा था वो जूता दूसरा था अच्छा बदला ले रहा था ये एक छोटे से किस्से थे मेरे खजाने आपकी तस्वीरें हैं बहुत है तस्वीरों के क्या किस्से हैं दिखाओ जरी तस्वीरें हां हां एक क्यों चीज रह गई ये क्या है ये अदनान सिद्दीकी और बालों पर ये मेरे लाइफ का पहला ड्रामा है दिल दिल दा मामला टेलीफिल्म थी अच्छा और इसमें मैं और नई लड़की थी महविश अच्छा हम लीड पे थे और अदनान भी लीड पे था अदनान का सेकंड लीड कैरेक्टर था उसमें अच्छा तो ये पहला ड्रामा है और उसमें मैंने अभी तो इसमें कलर डल लग रहे हैं पता नहीं क्या था मुझे इतना शोक डार्क ग्रीन ऐसा चमकता हुआ ग्रीन मैंने शराब में बनाया था और रू दिखाया था एंड में हम रू होते हैं अच्छा, नहीं आते ये उसकी उसका उसकी तस्वीर हाँ उसकी तस्वीर पहला ड्रामा था मेरी लाइफ का तो हमने चौखंडी कब्रिस्तान है ठंडा के आते करीब से अपने तो वो 2 दिन वहाँ आउटडोर की हमने तो बाकी पूरा सेट लगाया था वीडियो पे तो ये तस्वीर शायद आउटडोर की है अच्छा तो और तस्वीर दिखाओ और तस्वीरें काफी भेजी हैं ये भाभी ये वाला क्या है पीछे तो एक दर्द भरी कहानी है एक एक जर्नी है दुखों की और वलीमे की वजह एक ये था एक इसमें जो एक दुख नजर आ रहा होगा मेरे चेहरे पे वो मैं बता नहीं सकता इसमें इस तस्वीर को देख के मुझे एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है क्यों दोबारा दिखाएं तस्वीर को ये आपको एक सेट नजर आ रहा है इसमें जो ये सोने का सेट है मैंने झुमके पहने हुए टीका लगाया हुआ है और बड़ा सा हार है हाय ये चोरी हो गया मेरे और चोरी हुआ ऐसे कि किसी शादी में जाता निदान लॉकर से निकाला हुआ था हफ्ता दर्जन पहले
अच्छा लॉकर से निकाल के अपने साइड टेबल पे जूता हुआ रखा हुआ था, उसकी चाबी भी गुम हो गई थी। तो निदा कह रही है चाबी गुम हो गई है, मिल नहीं रही, अब हफ्ते से मैं बता रही है चाबी गुम हो गई है, इस ड्रॉअर की चाबी मंगा दो, चाबी नहीं है, चाबी ये नहीं बता रही कि अंदर ज्वेलरी सेट पड़ा हुआ है, इतना महंगा चाबी गुम हो गई है, चाबी गुम हो गई, चाबी सारे जेवर उसी में पड़ा हुआ था, ये नहीं बताया मुझे एंड तक कि इसमें ज्वेलरी पड़ी है जो शादी में निकाली थी मैंने, इतनी महंगी ज्वेलरी पड़ी हुई। मैंने ड्राइवर को भेजा, ड्राइवर और उसकी वाइफ बीवी काम करते थे, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, ड्राइवर गया चाबी वाले को लेके आया, मैं लेटा हूँ बेड पे ना, वो चाबी ठीक कर रहा है साथ में, लॉक को खोला उसने, मैं बाहर चला गया। अच्छा मैं बाहर थी, मैंने कहा यासिर एक कमरे में, मुझे टेंशन ही नहीं, मैं भी बाहर चला गया, कॉल और आई कुछ आया, खैर हो गया। उसके बाद वो लॉकर ड्राइवर चला गया, जो चाबी ठीक करने वाला है वो चला गया। दो दिन बाद इन्होंने ड्रॉअर चेक किया, ज्वेलरी की तरह से मगर तुम इसमें ज्वेलरी थी इसमें, मेरी शादी वाली गली में की ये, मगर यार बंदा आया तुमने तब भी नहीं बताया, चाबी गुम हो गई तुमने तब भी नहीं बताया, चाबी ठीक हो गई तुम दो दिन बाद तुम चेक कर रही हो कि ज्वेलरी किधर है। भाभी आपने ये चोरी करवाना था, मुझे लगा सारी ज्वेलरी थी जो जड़ाव वाली थी ना पत्थर वाली, लेकिन खालिस सोने वाली ज्वेलरी, पूरा पाउच गायब था, टीका मेरा झूमर, चोर था गोल्ड का काम था, उसको यही अकल थी कि ये गोल्ड का यही ले लो, या वो पाउच शायद ऊपर पड़ा था वही उसने ढप, चाबी ठीक होने के दो दिन बाद माशाल्लाह क्या ज्वेलरी चेक करूं है। हाय आगे दूसरी तस्वीर दिखा भाई, हाय काम फंस गए भाई, ये तो अभी फ्रेश लग रही है। हाँ अभी क्या, ये तो जो आप घोड़े से गिर गए थे। घोड़ा से नहीं, मैं घोड़ा मेरे साथ गिर रहा था नीचे। अच्छा बालाज जिंदगी मेरे घोड़े पे बैठना है, खैर हमने राउंड शाउंड लगाया, अब ये घोड़ा जो था वो बड़ा वो था, अच्छा बालाज को मैंने दे दिया, अब मैं बोलूँ उस बंदे को कि भाई तू ऐसी जगह ले जा जहाँ मैं पाँव रख के उतर सकूँ। वो उस लेके लेके साइड में ले गया खट के पास, अब मैंने अभी एक पाँव रखूँ घोड़ा आगे चला गया, अब मेरा आधा पाँव हवा में आधा पाँव मेरा उसके नाल जो कहते क्या कहते हैं अंदर फंसा हुआ है, और घोड़ा आगे चला गया, अब मैं गिरूँ तो मेरे साथ घोड़ा भी, घोड़े की तो टांगे उठ गई, वो भी मेरे साथ गिर रहा है आगे। भाई याद है आप मुझे सेकंड से ख्याल आया, मैंने दोबारा टांग सीधी कर दी तो घोड़ा भी सीधा हो गया, मैं नीचे गिर रहा हूँ, मेरे साथ घोड़े की दो टांगे उठ रही है, साइड की दो टांगे, बचत हो गई होगा यार, ये तो घोड़ा मेरे ऊपर गिरता है क्योंकि मेरे पांव फंस चुका था अंदर। एक पैराशूट वाली होगी तस्वीर, वो दिखाओ, ये इसका क्या किस्सा है, ये बहुत मजे का किस्सा है इसका, ये बालाज उस जमाने के तीन महीने दो महीने का था, हाँ हम टर्की गए, दो महीने का था, और तो ये हॉट एयर बलून जो है ये इस पर जाना था, तो उसमें छोटा बच्चा अलाउ नहीं था, तो मैंने देखा कल हम गए थे तो तुम बालाज साथ थी, हम किसी टूर पे गए थे पहाड़ के, तो आज मैं बैठता हूँ बालाज साथ तुम रुक जाओ, कितने मिनट की ये राइड होगी, बोला कोई 30-35 मिनट की, 25-30 मिनट की, मैं ठीक है जाओ के आ जाओ, मैं नीचे बैठा हूँ और सो रहा है, अभी दूध पी चुका है, उठेगा भी नहीं, और उसका चक्कर ये था जब उठता था ना उसको बस रोना होता था और उसको कोई चुप नहीं करा सकता था मेरे अलावा। अब मैं इसको लेके बैठा हूँ और ये सोया हुआ है फुल नींद में ना, निदा बैठे चले गए भाई, मैं 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, 40-50 डेढ़ घंटा हो गया, मैं ऐसे ही बैठा हूँ ये ना उड़ी है। अब टेंशन जो मैं पूछूं बार कब उतरेंगे, तो अभी है टाइम, अभी है टाइम, अब मैं कसम खा मेरे साथ जो डेढ़ घंटा दानिश, सोचो मैं ऐसे बैठा हूँ बच्चा लेटा हूँ ये ना उड़ जाएगी, ये उठ गया तो उसको चुप कराना नामुमकिन है, नामुमकिन है, डेढ़ घंटे बाद आया तो मेरा हाथ सीधा ही ना हो, हाथ ही टेढ़ा हो, मगर यार ये तो हाथ ही सीधा नहीं हो रहा मेरा, सीरियसली इज्जत तो उसको उठा लेते, रो ही लेता और क्या, मैं रोता बहुत खतरनाक रोता था। खैर ये ईद की तस्वीर है, हमने तो कपड़े सबके एक जैसे थे, मैं और फरीद नमाज के जाना था हमें, अब वो जो होता है नमाज के टाइम पे हबड़ दबड़ मची होती है, टाइम कम होता है, कपड़े शावर ये वो, नहा के निकले नमाज रह गए 4-5 मिनट रह गए, शलवार देखी तो उसमें हमारे अजहराबाद की जगह इलास्टिक, मैं ये इलास्टिक कौन पहनता है यार, मेरे तो आज से नहीं पहने, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि जब तक अजहराबाद लाए पहने ये करें, मैं कहा फरीद पहन ले यार, चल यार पहन, मैंने फरीद दे, मैं नहीं फरा फरीद था शायद 8-7-8 साल के 9 साल के, ज़्यादा नहीं हो गए, फरीद ने इलास्टिक वाली शरार पहनी, मैंने भी इलास्टिक वाली शरार पहनी, हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। अभी हम गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं नमाज के लिए, तो अभी 2-4 कदम उठाए तो फरीद बेचारे की शरार जमीन पे ना, डैडी उड़े, मैं ये क्या हुआ, फरीद तो इलास्टिक टूट गया, उसका इलास्टिक टूट गया ना शरार का, उसमें जा रहे पहनी, मैं चाबी दी, मैं फरीद आप जाके बैठो गाड़ी में, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, फरीद तो बैठ गया गाड़ी में, लेकिन मेरा पूरा ध्यान नमाज अपने इलास्टिक पे, अभी टूटेगा अभी टूटेगा, मैंने शरार पकड़ी हुई है कि टूट ना जाए, सज्जे में जाऊँ रुकू में जाऊँ, यार अल्लाह रहम करे
पूरा ध्यान मेरा इलास्टिक पे रहा, फिर मैंने आगे बताया मगर ये तरीका होता है ये। उस दिन के बाद से रात को तैयारी होती है, हाँ। रात को सारे कपड़े छपड़े रेडी, तो सुबह बहुत पैनिक होता था, हाँ। तो ये एक फनी किस्सा था ईद का, हम तीनों ने जैसे कपड़े बनाए थे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद खुल जा सिम सिम होगा दानिश नवाज के साथ, टिया के साथ, टिया के बाद में बारी आएगी जी, एक छोटे से ब्रेक। हाँ, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सख्त है, और ये उन दोस्तों में हमारा एक दोस्त था छः साढ़े छः फट का, अरशद, अरशद, हाँ। तो उसका ये होता था कि उसको कोई रोकता नहीं था, क्योंकि साढ़े छः फट हाइट बिल्ड और चेहरे पे खौफ था उसके ना, उसको कोई रोकता नहीं था, और हमेशा उसके हम आसे बजाते थे, उसको आगे रखते थे, पीछे हम पाँच बंदे मुफ्त में घुस गए। अब हम पीछे अपना होटल में बैठे फाइव स्टार होटल में, और हमने इसको भेजा कि तू जा अंदर से, किसी ने बताया अंदर से पासेस ले आए ना कोई, तो ये वही पासेस रिपीट हो जाएंगे। अच्छा भाई, हम बाहर बैठे हुए, वो अरशद चला गया अंदर, अब हम दूर से देख रहे हैं उसको, वो करीब गया, रोका बंदे ने उससे, ऊपर से देखा उसको, उसको जाने दिया अंदर ना। अब हम इंतजार में बैठेंगे, अंदर से कुछ पासेस लेकर आएगा, आधा घंटा, और चाबी उसके पास थी, गाड़ी उसी की थी, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, ढाई घंटे बाद बाहर आता है, कहता बड़ा मज़ेदार शो था यार, बहुत मज़ा, मैं बाहर बैठे ढाई घंटे से, अरे तो बोलने में ऐसा था थोड़ा सा, मैं कहा हम बाहर बैठे हुए, तू पास लेकर आया, बोला यार वो जगह मिल गई, तो शो तो मजे का था, मैं उठाई नहीं, हम वो ढाई घंटे बाहर बैठे रहे, गाड़ी यार हमारा दोस्त गया है शो देखने, क्या हुआ यार, अब यहाँ कैसे है, दोस्त शो देखने गया, मजे का हुआ था हमारा, आए हाय ये क्या है, थाईलैंड में, ओए ओए ये तो बड़ा खतरनाक खतरनाक किस्सा है ये भाई, ये हाथी है और नीचे यासर लेटा हुआ है, उल्टा उल्टा ना समझिएगा, नीचे हाथी ऊपर यासर। थाईलैंड में हम गए तो एलिफेंट शो था, थाईलैंड था कनाडा था, नहीं नहीं थाईलैंड था, अच्छा तो पहले मुझे तो मैं पकड़ूं ग्लेयर आ रही है, उन्होंने अनाउंस किया कि कौन फुटबॉल खेलेगा, गोलकीपर बनना है, और हाथी आके ना वो किक मारेगा बॉल को, और आपको गोल रोकना, बॉल रोकनी है, तो मेरे बेटे ने हाथ उठाया तो उसका नंबर नहीं आया, किसी और बच्चे का नाम आ गया, उसको बुला लिया, तो मेरे बेटे को बड़ा था फरीद को कि यार मैं भी जाता, तो उसको बुला लिया, तो अब सेकंड टाइम कोई अनाउंसमेंट हुई, तो मैं अनाउंसमेंट पर निदा से उससे बात कर रहा हूँ, मैंने सुना नहीं क्या बोला क्या इन्होंने, उससे बोला था मसाज कौन, एलिफेंट मसाज कौन कराएगा, मैंने सुना ही नहीं, मैंने ऐसे हाथ उठा लिया, बुला लिया मुझे, मैं देखा अकेला, मैंने याद उठाया पूरे स्टेडियम में मैं अकेला था ऊपर, क्या किया मैंने ये, अब डैडी जाए क्या है, डैडी बच्चे मेरे एक्साइटेड कि उनको तो नहीं पता तो होना क्या है, अब वो नीचे एक मैट्रेस बिछा दिया उन्होंने, मुझे लिटा दिया, पूरी हालत मगर यार मैंने हाथ उठा के गलती की, और बच्चों ने मुझे पिकअप किया, वेरी गुड डैडी, बच्चे छोटे थे हमारे, बच्चे छोटे थे, अब मैं लेटा हूँ, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, हाथी आया, मैं ऊपर देखूँ, ए हाथी मेरे ऊपर खड़ा हुआ है आगे ना आगे, मैंने तो आगे सूंड से ना फूके मारी कानों में, तो वो हुआ, फिर उसके पाँव रखा, शुक्र पाँव हल्का टच किया, लेकिन देखो कितनी देर तक रखा रहा, तस्वीर खींची, बहुत देर तक रखा रहा, हालत टाइट हमारी, मैंने कहा लोमियो ये क्या, वो जोर नहीं दे, जोर कैसे देगा, जोर था जोर है ना हम, लेकिन दूसरे को तो यही हो के पता नहीं, अगर उसने वजन रख दिया तो गया काम से, और थाईलैंड मुझे वापस अकेले आना पड़ा, हाथी तो पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता था, मैं और क्या, और दूसरा कुछ भी, आप कोई खौफनाक कुत्ता खड़ा हो उसके सामने नहीं खड़े हो सकते, मैं हाथी के नीचे खड़ा हूँ, बैठा लेता हूँ, वही नॉर्मल जानवर भी अगर हो तो आप उसके सामने नहीं खड़े तो डर लगता है। इत्तेफाक से मैं अपने, हम लोग भी गए थे ना, तो वहाँ पे फ्रेंड था मेरा, इस यही किस्सा हुआ, उसने ही हाथ उठाया, मैं तो कह रहा हूँ कि यार ये ना जाए, क्योंकि मुझे पता था यासर वाला, हाँ। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन एक खौफ होता है कि यार भाई आती अचानक, आती कुछ भी हो जाए, परेशान हो जाए, उसको भूख लगी हुई हो और शो खत्म ना हो, गुस्सा आया हुआ, उसको तो नहीं पता मेरे लात कितनी पावरफुल है, ये क्या है सनग्लास यार, ये मेरे ब्रांडेड ग्लासेस हैं, रेबन के, हाँ। अच्छा मैं इससे पहले चश्मे लेता था 500 वाले, 400 वाले, 300 वाले, मैं महंगे चश्मे लेते नहीं था, हाँ। और ना पैसे होते थे इतने, तो फिर मुझे किसी बताया यार वैसे गुम भी, 200 का चश्मा, 500 का चश्मा गुम हो गया, फिक्र भी नहीं, ये चश्मा मैंने महंगा चश्मा लिया यार, ये लूंगा मैं, ये टोटल मैंने 3 दफा पहना होगा, इतना महंगा चश्मा लेके टोटल 3-4 दफा पहना होगा, जब लेके जाता मैं नहीं यार सेट पे जाऊंगा तो वहां इतने लोग होंगे भूल गया गुम हो जाएगा, मैं प्राइस नहीं बता रहा, ठीक ठाक महंगा है,
तो मुझे अब याद आता है, मैंने टोटल पहने ही 4-5 दफा ऐसे मुश्किल से, और उसकी प्राइस बढ़ भी नहीं थी वहीं रखी, बंदा गोल्ड का आज पहन लो दादा, ढीला भी हो गया, ओह माय गॉड, मुंह बड़ा हो गया यार, आज शो में ही किसी को दे दो, आपको देख के कोई आदमी, उसकी मैं इत्तेफाक से निकाल रहा, हमारा सही है 300 रुपए वाला, लेकिन मुझे ये हुआ कि मैंने मैंने फिर ये महंगे ग्लासेस लो ना, ये भाई आप जब मोटे हो रहे होते हैं तो आप जो टोटके और देसी नुस्खे और ये जो मिल रहे होते हैं तो ये मुझे किसी ने ला के दिया, बोला यासिर साहब इसमें आप पानी पियेंगे ना तो यूं वजन गिरेगा आपके, तभी आप इससे पानी पीते थे? हाँ, लेकिन कद्दू नहीं गिरा आपने, मुझे तो बताया नहीं ये वाले राज, मुझे आई थिंक हाँ राज तुम्हें ओपनली नहीं बताना चाह रहा हूँ, ये कुछ चीजें होती है, आप ये पुरानी बात है, शादी नहीं नहीं हमारी, तुम्हें मोटा होना शुरू हो चुका था, वो ग्लास में देखा पड़ा हुआ है, मुझे किसी ने बताया कि भाई ये आप पानी से पानी पिए दुबले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, एज ऐसी होती है ना बंदा बन जाता है, लेकिन आपने अभी तक रखा हुआ है, मतलब अभी तक आपको होप है कि शायद अगर मैं इसको इस्तेमाल शायद इस्तेमाल करूं, इस्तेमाल तो किया मैंने जी, पतला नहीं हुआ ये नहीं इस्तेमाल नहीं किया, अच्छा ये शूज, यार ये शूज मुझे याद नहीं आ रहा है वही है या दूसरे हैं, किस्सा तो है याद है लेकिन वो शूज मुझे याद नहीं आ रहा, किस्सा क्या, स्कूल कॉलेज की लाइफ की बात है, मैं लाइट हाउस गया ना शूज लेने, सुना देता हूँ किस्सा, ये शूज़ वो है नहीं, नहीं। तो मैं वही सस्ते का कड़की का दौर होता था, शूज़ लेने चले गए हम लोग, तो एक शॉप पे गया मैं, तो मैंने पूछा मुझे बड़ा अच्छा लगा शूज़, भाई कितने गया खान साहब, तो उसने अपनी शॉप के आगे ना एक रस्सी बांधी हुई थी और खुद दो बंदे खाना खा रहे थे, जाओ जाओ बंद है दुकान, देख देना खाना खा रहे हैं, चलो ऐसे चलो, मैं ऐसी बेइज्जती फील किया यार, मैं तो शूज़ लेने आया था और इतनी बेइज्जती से एक बंदे ने निकाला कि देख नहीं रहा खाना खा रहा और रस्सी बांधी है छोटी सी जो नज़र भी नहीं आ रही, मुझे बात दिल में रह गई, मैं कहा यार ये बेइज्जती कर दी सबके आगे, जबकि मैं एक्टिंग कुछ भी नहीं था, पढ़ाई कॉलेज थी, खैर मैं कोई 15-20 मिनट आधा घंटा घूमता रहा, 15-20 मिनट मैं वापस आया उस शॉप के पास था, अब मैंने उसको जान मुझे देखे बगैर मैंने खान साहब उसी किसी और जूते बात रखा मैं, अच्छा वो जूते उस जमाने होते थे 500, 250, 800 इससे ज़्यादा नहीं होते थे, मैं लाला ये दे रहा हूँ 3,000 रुपये में, अरे माफ़ करना यार खाना बंद पड़ा हुआ, इधर आओ, मगर नहीं 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 खाना दुकान बंद पड़ी अभी नहीं आऊँगा, क्योंकि रस्सी लगी हुई थी उसमें, अब वो बेचारा रस्सी खुशी से बाहर आ गया, अच्छा ले जाओ चलो ले जाओ 3,000 रुपये में, वो था 250 रुपये का, ऐसे गया 250 के 3,000 मिल रहे हैं और लंच ब्रेक हुआ हुआ है और मैंने मिस कर दिया, मगर नहीं अब नहीं लूँगा, वो रात में सोया नहीं होगा इस चक्कर में, लिया आपने नहीं लूंगा, जो लेना नहीं जान के बदला ले रहा था, वो जूता दूसरा था, अच्छा दूसरा था, बदला ले रहा था, ये एक छोटे से किस्से थे मेरे खजाने, आपकी तस्वीरें हैं बहुत, तो तस्वीरों के क्या किस्से हैं दिखाओ जरी तस्वीरें, हां हां एक क्यों चीज रह गई, ये क्या है, ये अदनान सिद्दीकी और बालों पर, ये मेरे लाइफ का पहला ड्रामा है दिल दिल दा मामला टेलीफिल्म थी, अच्छा, और इसमें मैं और नई लड़की थी महविश, अच्छा, हम लीड पे थे और अदनान भी लीड पे था, अदनान का सेकंड लीड कैरेक्टर था उसमें, अच्छा, तो ये पहला ड्रामा है और मैंने अभी तो इसमें कलर डल लग रहे हैं, पता नहीं क्या था मुझे इतना शोक डार्क ग्रीन ऐसा चमकता हुआ ग्रीन मैंने शराब भी बनाया था और रूह दिखाया था एंड में हम रूह होते हैं, मतलब अच्छा, नहीं आते ये उसकी उसका उसकी तस्वीर, हाँ उसकी तस्वीर, पहला ड्रामा था मेरी लाइफ का, हाँ। तो हमने चौखंडी कब्रिस्तान है ठंडा की आग करी उसे आपने, तो वो 2 दिन में आउटडोर की हमने, हाँ। तो बाकी पूरा सेट लगाया था वीडियो पे, तो ये तस्वीर शायद आउटडोर की है, अच्छा, तो और तस्वीर दिखाओ, और तस्वीरें काफी भेजी हैं, ये भाभी ये क्या है, पीछे तो एक दर्द भरी कहानी है, एक एक जर्नी है दुखों की और वलीमे की वजह से एक दुख नजर आ रहा होगा मेरे चेहरे पे वो मैं बता नहीं सकता, इसमें इस तस्वीर को देख के मुझे एक बहुत बड़ा दुख हो रहा है, क्यों दोबारा दिखाएं तस्वीर को, लगी ये आपको एक सेट नजर आ रहा है इसमें जो, हाँ, ये सोने का सेट है, तो मैंने झुमके पहने हुए टीका लगाया हुआ है और बड़ा सा हार है, हाय ये चोरी हो गया मेरे, और चोरी हुआ ऐसे कि किसी शादी में जाता निदाने लॉकर से निकाला हुआ था कोई हफ्ता दर्जन पहले, अच्छा लॉकर से निकाल के अपने साइड टेबल पे जो था वहाँ रखा हुआ था, उसकी चाबी भी गुम हो गई थी, तो निदा कह रही है चाबी गुम हो गई है मिल नहीं रही, अब हफ्ते से मैं बता रही है चाबी गुम हो गई है, इस ड्रॉअर की चाबी मंगा दो, चाबी नहीं है, चाबी ये नहीं बता रही कि अंदर ज्वेलरी सेट पड़ा हुआ है, इतना चाबी गुम हो गई है, सारे जेवर उसी में पड़ा हुआ था, ये नहीं बताया मुझे एंड तक कि इसमें ज्वेलरी पड़ी है जो शादी में निकाली थी मैंने, इतनी महंगी ज्वेलरी पड़ी हुई है, मैंने ड्राइवर को भेजा और ड्राइवर और उसकी वाइफ बीवी काम करते थे, ड्राइवर गाड़ी चलाता था, ड्राइवर गया चाबी वाले को लेके आया, मैं लेटा हूँ बेड पे ना,
वो चाबी ठीक कर रहा है, साथ में लॉक को खोला उसने, मैं बाहर चला गया। अच्छा मैं बाहर थी, मैंने कहा यासिर एक कमरे में, मुझे टेंशन ही नहीं, मैं भी बाहर चला गया, कॉल और आई कुछ आया, खैर हो गया। उसके बाद वो लॉकर ड्राइवर चला गया, जो चाबी ठीक करने वाला है वो चला गया। दो दिन बाद इन्होंने ड्रॉर चेक किया, ज्वेलरी की तरह से, मगर तुम इसमें ज्वेलरी थी इसमें, मेरी शादी वाली वली में की ये, मगर यार बंदा आया तुमने तब भी नहीं बताया, चाबी गुम हो गई तुमने तब भी नहीं बताया, चाबी ठीक हो गई तुम दो दिन बाद तुम चेक कर रही हो कि ज्वेलरी किधर है। भाभी आपने ये चोरी करवाना था मुझे लगा, सारी ज्वेलरी थी जो जड़ाव वाली थी ना पत्थर वाली, लेकिन खालिस सोने वाली ज्वेलरी, पूरा पाउच गायब था, टीका मेरा जुमर, ये चोर था गोल्ड का काम था, उसको यही अकल थी कि ये गोल्ड का यही ले लो, या वो पाउच शायद ऊपर पड़ा था वही उसने ढप। चाबी ठीक होने के दो दिन बाद क्या ज्वेलरी चेक करूं है, आगे दूसरी तस्वीर दिखा भाई, काम फंस गए ये तो अभी फ्रेश लग रही है। हाँ अभी की ये तो जो आप घोड़े से गिर गए थे। घोड़ा से नहीं, मैं घोड़ा मेरे साथ गिर रहा था नीचे। अच्छा बालाज ने जिद की मेरे घोड़े पे बैठना है, खैर हमने राउंड शाउंड लगाया, अब ये घोड़ा जो था वो बड़ा वो था। अच्छा बालाज को मैंने दे दिया, अब मैं बोलूँ उस बंदे को कि भाई तू ऐसी जगह ले जा जहाँ मैं पाँव रख के उतर सकूँ। वो उस लेके लेके साइड में ले गया घट के पास। अब मैंने अभी एक पाँव रखूँ, घोड़ा आगे चला गया। अब मेरा आधा पाँव हवा में, आधा पाँव मेरा उसके नाल जो कहते हैं क्या कहते हैं अंदर फंसा हुआ है, और घोड़ा आगे चला गया। अब मैं गिरूँ तो मेरे साथ घोड़ा भी, घोड़े की तो टांगे उठ गई, वो भी मेरे साथ गिर रहा है आगे। भाई याद है आप मुझे सेकंड से ख्याल आया, मैंने दोबारा टांग सीधी कर दी तो घोड़ा भी सीधा हो गया। मैं नीचे गिर रहा हूँ, मेरे साथ घोड़े की दो टांगे उठ रही है, साइड की दो टांगे। बचत हो गई होगा यार, ये तो घोड़ा मेरे ऊपर गिरता है, मेरे पांव फंस चुका था अंदर। एक पैराशूट वाली होगी तस्वीर, वो दिखाओ, ये इसका क्या किस्सा है, ये बहुत मजे का किस्सा है इसका। ये बालाज जमाने के तीन महीने, दो महीने का था। हाँ हम टर्की गए, दो महीने का था, और तो ये हॉट एयर बलून जो है ये इस पर जाना था, तो उसमें छोटा बच्चा अलाउ नहीं था। तो मैंने देखा कल हम गए थे, तो तुम बालाज साथ थी, हम किसी टूर पे गए थे पहाड़ के, तो आज मैं बैठता हूँ बालाज साथ, तुम रुक जाओ। कितने मिनट की ये राइड होगी, बोला कोई 30-35 मिनट की, 25-30 मिनट की। मैं ठीक है जाओ, ओके आ जाओ, मैं नीचे बैठा हूँ और सो रहा है, अभी दूध पी चुका है, उठेगा भी नहीं। और उसका चक्कर ये था, जब उठता था ना उसको बस रोना होता था, और उसको कोई चुप नहीं करा सकता था मेरे अलावा। अब मैं इसको लेके बैठा हूँ और ये सोया हुआ है फुल नींद में ना, निदा बैठे चले गए भाई, मैं 20 मिनट गुजर गए, 25 मिनट गुजर गए, 40-50 डेढ़ घंटा हो गया, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, ये ना उड़ी है। अब टेंशन जो मैं पूछूं बार कब उतरेंगे, तो अभी है टाइम, अभी है टाइम। अब मैं कसम खा मेरे साथ जो डेढ़ घंटा दानिश, सोचो मैं ऐसे बैठा हूँ, बच्चा लेटा हूँ, ये ना उड़ जाएगी, ये उड़ गया तो उसको चुप कराना नामुमकिन है, नामुमकिन है। डेढ़ घंटे बाद आएगा तो मेरा हाथ सीधा ही ना हो, हाथ ही टेढ़ा हो, मगर यार ये तो हाथ सीधा नहीं हो रहा मेरा। सीरियसली इज्जत तो उसको उठा लेते, रो ही लेता और क्या। मैं रोता हूँ बहुत खतरनाक रोता था। खैर ये ईद की तस्वीर है, हमने तो कपड़े सबके एक जैसे थे, मैं और फरीद नमाज के जाना था हमें। अब वो जो होता है नमाज के टाइम पे हबड़ दबड़ मची होती है, टाइम कम होता है, कपड़े शावर ये वो, नहा के निकले, नमाज रह गए 4-5 मिनट रह गए, शलवार देखी तो उसमें हमारे अजहराबाद की जगह इलास्टिक। मैं ये इलास्टिक कौन पहनता है यार, मेरे तो आज से नहीं पहने, अब कुछ ऑप्शन ही नहीं था कि जब तक अजहराबाद ना पहने ये करें। मैं कहा फरीद पहन ले यार, चले यार पहन, मैंने फरीद दे, मैंने फरीद था शायद 8-7-8 साल के, 9 साल के, ज़्यादा नहीं हो गए। फरीद ने भी इलास्टिक वाली शरार पहनी, मैंने भी इलास्टिक वाली शरार पहनी, हम चले गए नमाज पढ़ने के लिए। अभी हम गाड़ी पार्क करके जा रहे हैं नमाज के लिए, तो अभी 2-4 कदम उठाए तो फरीद की जा रही की शरार जमीन पे ना, डैडी उड़े। मैं ये क्या हुआ, फरीद इलास्टिक टूट गया, उसका इलास्टिक टूट गया ना शरार का, उसकी जा रहे पहनी, मैं चाबी दी, मैं फरीद आप जाके बैठो गाड़ी में, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। फरीद तो बैठ गया गाड़ी में, लेकिन मेरा पूरा ध्यान नमाज अपना प्लास्टिक पे, अभी टूटेगा अभी टूटेगा। मैंने शरार पकड़ी हुई है कि टूट ना जाए, सज्जे में जाऊँ रुकू में जाऊँ, कहा यार अल्लाह रहम करे, पूरा ध्यान मेरा इलास्टिक पे रहा। फिर मैंने आगे बताया, मैं ये तरीका होता है यार ये। हाँ। उस दिन के बाद से रात को तैयारी होती है। हाँ। रात को सारे कपड़े छपड़े रेडी, तो सुबह बहुत पैनिक होता था। हाँ। तो ये एक फनी किस्सा था ईद का, हम तीनों ने कैसे कपड़े बनाए थे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद खुल जा सिम सिम होगा दानिश नवाज के साथ, टिया के साथ, टिया के बाद में बारी आएगी जी। एक छोटे से ब्रेक, वेलकम बैक
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं खुलजा सिम सिम, और इस गार इस खजाने में से बहुत मजे मजे के वाकयात और किस्से जो सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में ही असबर हैं हमारे सेलिब्रिटीज के, वो आप तक आज पहुंच रहे हैं खजानों के जरिए। तो जी अब बारी है दानिश नवाज की, मेरी है, टी आई मैंने सोचा, चले ठीक है। और आपने जो है वह जोरदार आवाज लगानी है, खुला ही नहीं, खुल जा सिम सिम। जिनने आपका संदूक दानिश, यस कम संदूक बहुत भारी है, संदूक बहुत भारी लग रहा है मुझे, यादों के पिटारे हैं, हाय हाय इसमें यादें हैं लेकिन बहुत ताजा वाली होंगी क्योंकि बचपन तो हमें याद ही नहीं, खजाने से नाम होती तो यादों की पिटारी है, यादों की पिटारी अभी भी दानिश का बचपन ही है। सिगरेट से तो मेरा पहला ही किस्सा है यासिर, मैं भी जुड़ा और मैं जुड़ा हुआ, सिगरेट्स देख रहे हैं आप लोग आड़ी पूटते भी। अच्छा एक उम्र होती है जब बंदे को सिगरेट पीने का दिल करता है, छोटे होते हैं आप, तो सिगरेट का किस्सा ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन चले मैं बताता हूँ कि भाई हमारा एक दोस्त था जो कि पाकिस्तान में नहीं बाहर है, हरमन, ऐसे ही दिन था, उस दिन दिन बहुत ही खूबसूरत, वो दिन हम भूल नहीं सकते उस वक्त तक। अब भाई वो हुआ ये कि हम सुबह में हम लोग गए स्विमिंग करने, हम दोनों स्विमिंग की, फिर वहाँ से वापस आए, फिर क्रिकेट खेली दोस्तों के साथ, एंजॉय किया टाइम, फिर वहाँ पे हमारा दिल किया कि यार सिगरेट ट्राई करें, बहुत यंग एज थी, हमने यार सिगरेट ट्राई करते हैं, हाँ यार, फिर वो हम एक सिगरेट ली जो लेडीज सिगरेट थी लंबी वाली और बड़ी इसके एक मतलब बड़ा अच्छा लगता था उसको देख के, वो हमने सिगरेट ली, उसके बाद बहुत सारी टॉफियाँ शॉफियाँ ली और अब ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पिए, क्योंकि अब मोहल्ला तो लोग जानते थे, अब्बू के वजह ज़्यादातर लोग जानते थे, तो फिर हमने कोशिश की कि ना यार दूर कहीं जाके पियेंगे, तो हमने अपने वो मोहल्ला क्रॉस किया, फिर आगे गए एक पार्क आया झील पार्क, तो वो पार्क में गए तो वहाँ पर भी माहौल ज़्यादा सही नहीं लग रहा था, लोग थे काफ़ी, फिर हमने वो पार्क भी क्रॉस किया, अच्छा बेंगलोर आए सिर्फ वहाँ पर, और वो आज भी जगह है यार काफ़ी, अब तो बेहतरीन हो गई, वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर भी काफ़ी चौड़े रोड और कुशादा, अब वहाँ पर मैं था सन्नाटा था तो वहाँ हमने और हरमन ने वहाँ पर मैं और हरमन जो है ना हम लोग गए, हमने सिगरेट जलाई और अभी जलाई है और दो कश भी नहीं लगाना, तो गाड़ी आई दूर से अकेली मजदा 1300 लाल रंग की यूं करके आई, तो हमने देखी गाड़ी है, तो फिर हम बैठ गए सिगरेट बुझा दी हमने, हम फिर नॉर्मल खड़े हो गए कि यार कोई देखना, क्योंकि डर इतना होता था उस जमाने में, तो ये था ना कोई भी हो चाहे आपका जाने वाला ना हो तो भी आके डांट मार सकता था, सबको अलाउ था ये, तो हमने एकदम सिगरेट बुझाई फिर यूं करके खड़े हो गए, फिर वो गाड़ी यूं करके गई है और आगे जाके रुकी तो हम दोनों देख रहे हैं यार ये रुक गई गाड़ी, फिर थोड़ी देर चल पड़ी, तो उन्होंने ऐसे ही होंगे रुके होंगे फिर चले गए होंगे, फिर हमने सिगरेट उठाई, फिर हमने जलाई, टॉफियाँ शॉफियाँ खाई, बड़ा मज़ा आया। अब वो रात को जब मैं घर पहुंचा, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर आ गया, शाम को जब मैं घर पहुंचा तो अब्बू टीवी देख रहे थे, सब लोग बैठे थे कमरे में, ठीक है जी, अम्मी भी मुझे देख रही है, ये लोग भी सब देख रहे हैं, तो मेरी हमारी बहन जो अंजलना वो यूं कर रही है, थोड़ा मैं समझ गया कुछ माहौल में कुछ गड़बड़ है, कुछ लेकिन मुझे लगा कि यार लेट आया हूँ इसलिए शायद ये रिएक्शन हो रहा है। अब्बू टीवी देख रहे थे, कोई प्रोग्राम चला था खास, वो ख़त्म हुआ, अब्बू ने नाम पढ़े सारे, फिर अब्बू उठ के गए बाहर, फिर वापस आए तो इसी तरह सोफे पे आके साथ बैठे, दरवाजा लॉक कराया, दरवाजा बंद करो, नहीं हाँ दरवाजा शायद बंद कराया, पता नहीं उस वक्त बंद नहीं कराया था शायद, आके अब्बू बैठे साथ, हाँ भाई कहाँ गए थे, बिल्कुल अब्बू की एक रोब और पर्सनैलिटी और कहाँ गए थे, तो मैं एकदम डर के नहीं वो दोस्त के साथ था, नहीं कहाँ गए थे, किसके साथ थे, मैंने हरमान के साथ, कहाँ गए थे, मैंने वो मतलब पार्क तक गया था, सिगरेट भी थी तो मैंने बोला पटाश थप्पड़, उसके बाद अब्बू ने जो मारना शुरू किया, अब्बू कौन था, किसने देखा, कौन था वो, हाँ जासूस कौन था, हाँ एक तरफ अब्बू एक तरफ मैं, पिटाई मेरी चल रही है, फिर अब्बू ने बोला यासर, यासर जी अब्बू,
हरमान को बुला के लाओ दोस्त को. अच्छा वैसे वो एयरमैन ऐसा है, जब भी बुलाओ ना एयरमैन, हाँ यार रोटी खा रहा हूँ एयरमैन, मेहमान आए हुए एयरमैन, पांच मिनट में आ रहा हूँ. इस तरह था उस दिन ये यासिर के एयरमैन, जी यासिर भाई अब्बू बुला रहे हैं. ओके यासिर भाई साथ आया. और मजे की बात ये कि जब वो आया मैंने अल्लाह तेरा शुक्रिया आया, फिर अब्बू ने उसको मारा. नहीं नहीं उसको ऐसे मारा कि अब दानिश मार पड़ रही है. अंकल अंकल मेरे दोस्त को मत अंकल मेरे दोस्त वो इस्लाम आ गया, अब दो फिल्म चल रही है. अल्लाह का करम ऐसा है कि वो मार, मतलब मैंने आज तक सिगरेट नहीं पी जिंदगी में, सिगरेट नहीं पी मैंने. लेकिन बचपन की बात चल रही तो बचपन के किस्से से शुरू करते हैं. अच्छा ये बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, अच्छा ये बास्केटबॉल है. बास्केटबॉल का किस्सा कुछ यूं था कि एक्चुअली दो किस्से हैं बास्केटबॉल के, लेकिन एक फाइट वाला है और एक नॉर्मल है. कौन सा सुनाया जाए, मतलब एक मेरी एक्टिंग करियर वाला है. जो ज्यादा इंटरेस्टिंग, अच्छा ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये कि बास्केटबॉल खेल रहे थे नाइन्थ क्लास के बच्चे. अच्छा हम लोग जरा मैट्रिक में आ गए थे, यू नो आखिरी ईयर था और पूरी क्लास ऐसे दौर में ना पूरी क्लास दोस्त होती है आपकी. ठीक है जी, हम लोग टेंथ डी के बच्चे थे, वो नाइन्थ के बच्चे थे. हम लोग तो कुछ ऐसा हमारा कोई एक लेक्चर था कोई, हम तो हम लोग बाहर थे क्लास से और उस वक्त ही नाइन्थ के बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे. अच्छा तो वो बास्केटबॉल आपस में खेल रहे थे और वो बास्केटबॉल खेलते खेलते उन्होंने जब किसी को पास फेंका तो हमारा एक दोस्त है नाम भूल गया, तौसीफ था शायद, वो आ गया बीच में. तो उसने बास्केटबॉल ले ली नाइन्थ के बच्चों ने. तो वो पहले लोग कहते थे भाई बॉल देने यार नहीं करेगा, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं. खेलते खेलते उसने अपने ही दोस्त को पास की तो वो नाइन्थ से ना टेंथ के बच्चों पर बास्केटबॉल ट्रांसफर हो गई. तो इससे थोड़ी सी लड़ाई पैदा हुई, डेवलप हुई. हाँ. अब लड़ाई हुई तो फिर उस देखते हैं छुट्टी में देखते हैं टाइप फड्डा हो गया और हम लोग सब पूरी क्लास में ना एक, हाँ. एकदम एनर्जी में बैठे यार, हाँ. फड्डा होगा जबरदस्त. अब वो फाइट का फड्डा ये हुआ कि इत्तफाक से जब हम जब छुट्टी हुई तो सब लोग बाहर निकले. अब वो पूरी जुनून के लड़ाई यूं आए तो हम मैट्रिक वाले ने नाइन्थ की क्लास के लड़कों को एक आध थप्पड़ पर मार दिया. एक लड़का स्वेटर पहना था उसने थप्पड़ मारा, दूसरे ने किया ये किया. फिर लड़के जो थे ना वो उन्होंने कहा कि अगर इतने ही मर्द के बच्चे तो गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल की तरफ आओ. हमारी गर्ल्स सेशन अलग था. हाँ. हम लोग सब बगैर सोचे समझे वहाँ चले गए. वहाँ पर इतने लोग थे उनके, अच्छा वो इतने लोग थे उन, फिर सबने पकड़ पकड़ के जो मारा है हम लोगों को. और जिस लड़के ने एक लड़के को मारा ना तो उसकी शर्ट फट गई. हाँ. तो जिसने स्वेटर पहना था उसने उतार के दूसरे को स्वेटर दे दिया अपना. अब कह रहे वो स्वेटर वाला का है, स्वेटर वाला का है. थोड़ी देर बाद स्वेटर वाला मिला, वो आ गया उसके पीछे और बच्चे 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 पूरा मोहल्ला आ गया था कोई. ओए होए. तो क्लास नाइन्थ वालों की इतनी इतना वो था, क्लास नाइन्थ वाले उस इलाके के वो अपने इलाके में बुला लिया ना उन्होंने. तो उनके बच्चे बच्चे आ गए, बेल्ट वेल्ट लेंगे छोड़ूंगा नहीं. बहुत मारा हम लोगों को, काफी बच्चे हमारे दूर भी हो गए, छोड़ भाई लड़ने दो उनको. फिर वो आज तक हम लोग आपस में किस्सा करते हैं, अभी भी ग्रुप बना हुआ है तो उसमें हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी भाई, ये सिंगापुर का एक किस्सा है, तस्वीर सिंगापुर वाली टाइप ये वाली है. लेकिन इसका किस्सा ये है कि हम लोग सब रेडी सिंगापुर जाने के लिए, हमारी वेकेशंस और बड़ा मतलब एक वो एक एक्साइटमेंट होती है. तो सिंगापुर जाने की एक्साइटमेंट में हम लोग सब तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं, बैग पैक है, 2 बजे की फ्लाइट है और बस जाना है थोड़ी देर बाद. गाड़ी भी इत्तफाक से यासिर की आई हुई थी कि भाई वो ड्रॉप करके. तो हमारी बेगम ने जैसे ही बैग यूँ करके लेके आई थी तो उसका हो गया पैर स्लिप और वो गिर गई. अब ऐसे गिरी हाथ के, उसने गिरते हुए अपने आप को संभाला हाथ में, तो हाथ का हो गया फ्रैक्चर और सारी पेमेंट हुई हुई होटल वोटल ये और वन साइडेड. हमने ये थोड़ी कहा कि यार अगर आए तो आए, ये तो था ही नहीं ऑप्शन, जा ही तो रहे. नॉन रिफंडेबल सारी चीजें हुई हुई हमारी, टिकट शिकट हुए हुए और ये गिर गई बेगम. अच्छा पहले जो गिरी नॉर्मल हाथ में दर्द, मैंने बोला अच्छा नॉर्मल होगा यार, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं. तो खैर पैकिंग वैकिंग हल्की, फिर उससे बोला भाई मुझे दर्द बढ़ता जा रहा है. मैंने फराज को फ़ोन किया, हमारा भाई डॉक्टर. मैंने बोला यार फराज ये हो गया है, अब क्या करें यार. उससे बोला यार ये कभी कभी ऐसा होता है कि, मैंने बोला पेन काफ़ी है. फराज बोला यार या तो ये फ्रैक्चर लग रहा है, क्योंकि मतलब पेन जो है ना ये जो दर्द है ये फ्रैक्चर वाला है. अरे मैंने बोला भाई हमें मतलब मैं सिंगापुर जा रहा हूँ. सुना क्या यार ये अभी ये कोई टाइम है फ्रैक्चर का, बाहर गाड़ी खड़ी है 2 बजे की फ्लाइट. मतलब इतना भी टाइम नहीं कि जाके बैंडेज वैंडेज करा लें. हाँ. तो चेक करें सब. हाँ. कुछ होगा, मतलब जाना है. खैर दिमाग समझ नहीं आया, खैर गाड़ी वाड़ी में बैठे हॉस्पिटल भागे. हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे सब लोग रिलैक्स, बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल टाइप, लेकिन था प्राइवेट. कहाँ पे ये? हाँ हॉस्पिटल का नाम कराची में. कराची में, अच्छा. कराची में हम हॉस्पिटल भागे.
तो वहां से उतर के अंदर गए, हमने बोला इधर आ भाई, मैं खुद एक्सरे कर रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ रखो भाई कंप्यूटर में, ढक कर दे एक्सरे। एक्सरे मैंने खुद कराया और फिर वो प्रिंट ही निकाला हमने उधर ही जूम करके ना एक्सरे। हाँ भाई जूम, दूसरे डॉक्टर डॉक्टर आ गए, अब वो देख रहे हैं। अब वो हड्डियों के डॉक्टर तो नहीं थे, वो तो नॉर्मल डॉक्टर होंगे, इमरजेंसी वाले डॉक्टर। वो देख रहे हैं, अब जूम कर रहे हैं, नहीं नहीं फ्रैक्चर नहीं लग रहा। मैंने यार देख ले यार, अगर फ्रैक्चर तो अभी बैंडेज बांध दो भाई। नहीं नहीं हमारे ख्याल से कि ये यूं नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये थोड़ी सी हाथ की मोच है। हमने बोला ठीक है हाथ की मोच है, आओ भाई। फिर वो लिया दवाई शवाई ली, ये वो लिया हम लोग करे। मैंने बोला हाँ भाई दर्द कैसा कर रहा है, हो रहा है दर्द हो रहा है अभी। अब फराज की बात जहन में कि ये दर्द अभी तो गर्म है, लेकिन जब बाद में जब थोड़ा टाइम गुजरेगा तब भी दर्द हो रहा होगा ना, तो फ्रैक्चर है। अच्छा अब यहाँ से मैं हम लोग पहुँचे यूं यूं करके जहाज में बैठे, मैं पूछ भी रहा हूँ रस्ते में। बोला ठीक है। जरलीना मेरी जो बेटी है छोटी, बहुत ही छोटी थी, वो कंट्रोल में नहीं आए, वो जहाँ जाए उड़ती हुई वहाँ जा रही, उड़ती वहाँ जा रही। बेगम के हाथ में चोट ना, उसको पकड़ना भाई इधर रुक जा। उसके बाद हम जैसे ही जहाज में बैठे, हम जहाज ऊपर गया है, उसका दर्द शुरू हुआ। मैं ऐसे नॉर्मल बैठा हुआ था, मैंने यूं पलट के देखा तो उसके आंसू निकल रहे हैं ऐसे। ओए नो क्या हुआ, कह रही बहुत दर्द हो रहा। अरे मैंने बोला फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, हमने हड्डी के डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया, ये फ्रैक्चर है। अब मेरे जहन में आए सिंगापुर के अस्पताल, घूमने गए हम लोग। मैंने बोला यार सिंगापुर का इलाज कराने जा रहे हैं, क्या है। अब मेरा दिमाग तो कैलकुलेशन में भरा हुआ है, डॉलर्स में इधर उधर हॉस्पिटल। मैं अपने आप को ऐसा, मैंने बोला यार मैं क्यों आ गया, मैं ये पैसे जाया ही कर देता इससे अच्छा तो। मतलब मैं घूमने जा रहा हूँ, टेंशन में जा रहा हूँ कि अस्पताल, अब वहां से जाते हॉस्पिटल जाना है। खैर इन शॉर्ट ये कि वहां फिर पहुंचे, जब सिंगापुर पहुंचे तो लैंड चैंड हुआ थोड़ा टाइम। मैंने बोला यार क्या सीन है, हाँ दर्द थोड़ा कम हुआ है। यस शुगर फ्रैक्चर नहीं है, नहीं था फ्रैक्चर, नहीं फिर फ्रैक्चर नहीं था, मैं मसाजे करता। लेकिन वो जो ट्रैवल मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता, ओए, ओए, ओए। वो इतनी मैं जिस पेन से गुजरा हूँ ना, मैं खुशी तो थी नहीं वेकेशन की, ये दुख था। मैं मुझे लगा मैं काम से जा रहा हूँ किसी इलाज कराने। अच्छा जी ये टर्की का एक किस्सा। अच्छा जी टर्की में ये हुआ मेरे साथ के गाड़ी ने पिक किया मुझे और पिक करके मुझे यूं 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 अंदर अंदर से, वो उसको शॉर्टकट बताऊंगा हमें तो हाँ, नहीं पता हाँ। उसने यूं यूं करके मुझे होटल के दरवाजे में उतार दिया, गलियों से निकला, होटल के दरवाजे में उतारा। मैं अंदर गया, उससे बातचीत की, रूम में चला गया। अब मैं थोड़ी देर बैठा, मैंने यार बाहर चक्कर लगा के आए। अब मैं अपनी खिड़की से देखूँ गलियाँ हाँ। स्कूल बना हुआ है, गलियाँ छोटी छोटी यार। फिर मैं उतरा, अब मैं गेट से बाहर निकला, होटल के रूम से मैं बाहर निकला, अब मैं वहाँ देख रहा हूँ। और मैं वहाँ गया, वहां जाके देखूं गलियां गलियां छोटी बंद है हाँ। बोला यार ये कहां के उसने मुझे होटल है, ये कौन सी बस्ती में होटल है जहाँ कोई शहर नहीं है, कोई हाँ। दुकाने नहीं है हाँ। इतना कहां इसने आके मुझे उतार दिया है। अब मैं परेशान हो रहा हूँ। फिर मैं आया, मैंने उसको प्रोड्यूसर को फोन किया लड़के को, मैंने बोला भाई ये कौन सा होटल है, यहाँ तो जंगली मतलब कोई है ही नहीं, गलियां छोटी किस हाँ। मोहल्ले में, ये क्या गेस्ट हाउस है। नहीं दानी भाई ये तो बड़ा होटल है, बाकी गेस्ट भी यही रुके हुए। मैंने बोला दुनिया कहाँ है यार, टर्की जो हमने इतना सुना है ये फिल्मों ड्रामों में देख रहे हैं, ये कहाँ है। नहीं जानी भाई आप निकलेंगे। मैंने बोला नहीं यार मैं परेशान हो गया, मुझे नहीं मिल रहा है। खैर काफ़ी देर तक मैं मतलब समझ लें रात तक मैं वहीं बैठा रहा। मैंने बोला यार ना टैक्सी का पता ना क्या ही कहाँ छोड़ दिया आगे। खैर फाइनली फिर मैंने मानी आया था, मैंने मानी को फ़ोन किया, मैंने बोला यार तू कहाँ है, कह रहा मैं इधर हूँ उस होटल में हूँ। मैंने यार मैं तो पता नहीं कहाँ रह रहा हूँ यार, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तू बाहर निकल मैं भी आता हूँ मिलते हैं। मैंने ठीक है यार आओ भाई। अब मैं अपना प्लान बना के बैठा हूँ बाहर। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उतरा, अब मैं फिर मैं उस गली को देखूँ सन्नाटा, लोग ही नहीं। मैं वहाँ जा रहा हूँ उस गली में घूम रहा, मैंने यार क्या घरों वाली साइड पर आया। अब ये मैं इधर इस तरफ जा रहा हूँ राइट साइड में, मुझे लेफ्ट में जाना था। अब मैं उठा, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ नहीं जा रहा मैं इस तरफ, और मेरे सामने बस दीवार, आप समझ रहे हो, मेरे सामने दीवार और राइट में गलियाँ छोटी छोटी मोहल्ले, और लेफ्ट में मैं जा नहीं रहा यार, लेफ्ट पे क्या है। खैर भाई मैं यूँ करते करते लेफ्ट पे गया, बस वो दीवार थी, मैं लेफ्ट पे यूँ करके गया, दीवार जैसी क्रॉसिंग होती है ग्रैंड बाजार, अवाम ट्रेन हलवे की दुकान। मैंने बोला ये क्या, ट्रेनें गुजर रही हैं, लोग मकई वाले अंडा गरम ये चल रहा है, लड़कियां घूम रही हैं। यार ये क्या, मैं कहां था यार। ब्लू मॉस्क उधर पूरा दिन जाया। खैर फाइनली
फिर मैं मानी सर मिला नहीं, मैं चला गया, मैं चला यार छोड़ो। इसका मॉरल ये हुआ कि सीधे रास्ते पे नहीं जाना, उल्टे रास्ते। हाँ, उल्टे रास्ते। ये क्या है? अम्मी, अच्छा जी, है? अम्मी और मैं उम्रे पे। अच्छा अच्छा। अम्मी को और मुझे उम्रे पे जाना था। अम्मी ने वैसे ही बोला इस दफा तुम मेरे साथ, मैं चलूंगी, तुम मेरे साथ चलना उम्रे पे। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं चलूंगा। हाँ। मैंने ऐसे ही बोल दिया यार, जो बंदा दिल रखने के लिए बोल देता है। प्लान नहीं था कोई खास। हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि ना, मैं क्योंकि मैं सीरियल पे जा रहा था, अचानक मेरी सीरियल आगे हो गई, आगे हो गई। मैंने ना, अम्मी सीरियल आगे हो गई, चलो चलते हैं। फिर खैर मैं गया अम्मी के पास, मैंने अम्मी पासपोर्ट दो। पासपोर्ट लेकर गया तो पासपोर्ट एक्सपायर। मैंने मेरी अम्मी को फोन किया, अम्मी आपका पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। पासपोर्ट, अम्मी का पासपोर्ट, अम्मी का पासपोर्ट एक्सपायर। हाँ। मैंने आपका पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, हम कैसे जाएंगे उम्रे पे यार, कोई प्लान ही नहीं है ऐसे, तो नहीं जा सकेंगे। अब पासपोर्ट जाएगा फिर आएगा 6 महीने बाद, पता नहीं कब आएगा। हाँ। खैर मैं वहीं से ट्रैवल एजेंट से ही मैं सीधा पासपोर्ट ऑफिस चला गया। हाँ। तो मैंने बोला यार ये पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हो गया, इसको रिन्यू कैसे करेंगे। कह रहे दानिश भाई आजकल ठप्पे लग रहे हैं, पासपोर्ट नहीं बन रहे, स्टैंप लग रहा है 5-5 साल के, तो उस वो शायद हो जाए। तो मैंने कहा कुछ करें, कह रहे बॉस बैठे में बात करता हूँ। वो गए, उसी वक्त स्टैंप लग गया। स्टैंप लगा, मैं वापस आया जवाहर ट्रैवल एजेंट के पास। मैंने भाई कि अब कहाँ, हमारा प्लान था 20 तारीख को, यानी बहुत देर से जाने का। मैंने वहाँ पूछा उससे, मैंने बोला यार कब जा सकते हैं। उसने फ़ोन उठाया, बात बात की, उसने दानिश भाई परसों की फ़्लाइट है। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी परसों की फ़्लाइट है। अम्मी कह रही परसों, पर परसों उम्रे पे। मैंने अम्मी परसों उम्रे चल रहे हैं। मैंने हाँ चलो चलो चलो, बस फिर हम परसों। ये होता है जब आपका बुलावा। हाँ, तसव्वुर नहीं, सोचा नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो वो मेरा बड़ा यादगार, अम्मी के साथ उम्रा बहुत अच्छा गुजरा। एक और ये हुआ, जरलीना पैदा हुई। जरलीना जो हॉस्पिटल की टेंशन होती है वो सब था। ARY अवार्ड्स दुबई में, ठीक है जी, ARY अवार्ड्स दुबई में। मेरा इतना कोई खास प्लान नहीं जाने का, तो यासर ने मुझे फ़ोन किया। यासर ने कहा कि यार आप नहीं जा रहे दुबई। मैंने बोला यार मैं इतना टेंशन में, यहाँ पे हॉस्पिटल चीज़ें। बोला यार इतने टेंशन से गुजरे हो, एक दिन की बात है, हो के आ जाओ दुबई से। हाँ। तो रिलैक्स हो जाओगे, शो में जाओगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है यार। मैंने भी बेगम को कहा यार तुम ठीक हो तो मैं, तुम अगर कहो तो मैं चला जाऊँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत है। नहीं नहीं आप होके आए, वाकई बड़े स्ट्रेस आपने दिन गुजारे हैं, रिलैक्स। एक आध दिन है शो, वो दोस्तों में ठीक है। मैं चलो ठीक है, अब मैं उससे बातें कर रहा हूँ, अब दुबई जाना है, शो में एक सूट पहनना है और कल वापस आ जाना है। तो कोई मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उससे बातें कर रहा हूँ और मेरा अंदर से जो है ना दिल नहीं कर रहा कि मैं जाऊँ। एक होता है ना आप बच्चे बेगम के साथ हो, तो मैं जाते जाते बात करते करते ड्रॉ खोला और पासपोर्ट दिया बेगम ने। मैंने पासपोर्ट लिया, जेब में डाला, बात करते करते अब मैं पहुँचा एयरपोर्ट, लेट पहुँचा, मतलब बंद हो चुका दरवाज़ा। हाँ। मेरा दिल भी नहीं इतना, तो मैंने बोला अच्छा यार बंद हो गया। कह रहे सर वो तो बंद हो गई सीट और हाँ। क्लोजिंग क्लोज हो गया ये जो बोर्डिंग पास वाला सेशन है। मैंने अच्छा, तो वहाँ पे एक साहब आए, भुट्टो साहब नाम था उनका। उन्होंने बोला हाँ। जी दानिश भाई क्या हुआ। मैंने बोला दुबई जाना था, ये थोड़ा सा मैं लेट हो गया। चलो खैर है। कह नहीं नहीं खैर कैसे, आपको ले जाएंगे हम, कोई बात नहीं। फिर उसने बोर्डिंग वोडिंग निकाला, टिकट दिया। मैं चलो मैं जाके बैठ गया जहाज़ में। हाँ। दुबई पहुँच के शो अटेंड किया और वापस आए। वापस आया तो मुझे वो चेक किया उसने, अरबी पुलिस जो काउंटर पे चेक करता है। हाँ। तो चेक किया, मुझे क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है। तो मैंने क्या हो गया भाई। तो ये पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड पासपोर्ट एक्सपायर्ड कह रहा है, आज ही हुआ है, यही आखिरी, मतलब वो कल एक्सपायर हुआ है। पाकिस्तान से निकल गया पासपोर्ट। बोला यार एक्सपायर्ड पासपोर्ट, ओह माय गॉड, अब क्या करें। खैर उसने बोला भाई अब ये क्या करें, जुर्माना फलाना। मैंने बोला भाई मुझे पता भी नहीं, जुर्माने जितने पैसे नहीं है, हम तो ऐसे ही आए थे, यूं करके यूं, हम तो ARY के खर्चे पे आए हुए। खैर बात बात हुई, फिर वहाँ पाकिस्तानी एक दो लोग मिले, वही जो पुलिस में होते हैं उनके, उन्होंने समझाया गया यार सेलिब्रिटी एक्टर, फिर थैंक यू वेरी मच करके मैं वापस आया। अब मैं वापस आया, मैंने बोला यार मतलब मैं बच गया, वरना मैं जेल में होता आज। ये छोटे छोटे वैसे इंटरनेशनल के सिद्धांत नहीं होंगे। चलो ठीक है। हाँ, तो ये था दानिश का खजाना। और दानिश के पास एक बाकी और पटारी है। जब इसके साथ बैठते हैं तो बहुत सारे और मजे मजे के किस्से सुनने को मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और फिर ब्रेक के बाद तानिया आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं खुल जा सिम सिम, और अब नादिया हुसैन, यासिन नवाज, दानिश नवाज के बाद बारी है तानिया हुसैन की। तानिया एक जोरदार आवाज लगाओ, खुल जा सिम सिम। Thank you.
जिनमें फुल एक्टिंग है। मिलके चले यार जिनमें सारी है। मेरे ख्याल से भाभी मुझे लग रहा है अंदर जिम भी है। ये जिन अपनी अपनी मर्जी के है ये। मुझे लग रहा है भाभी अंदर जिम है तो जिन ने जो है ना बॉडी ऐसी वहाँ अंदर भी बैठ के बना रहा है। और मुझे लगता है बाली जो पहनी तुम्हारी पहनी है। और देखो गोल गोल बाली है। वो देखिए मेरी भाई। मुझे लग रहा है अभी टॉप 10 एशियन हैंडसम मैन में जिन भाई के भी नाम आए। जी तानिया क्या है तुम्हारी? अच्छा बेटा एक बात में तानिया आपके पिटारा खुलने पहले बता दूं ये फैमिली शो है। इसमें बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं तो जरा ऐसे किस्से सुनाना कि जो बच्चे सब देख सके। सब देख सके। मैं पहले ही बता दूं डिस्क्लेमर कि मेरे किस्से इतने इंटरेस्टिंग नहीं हैं जितने यासिर सर और दानिश सर के हैं। अभी आपके किस्से तो बनेंगे बेटा, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, आपके किस्से तो बनने हैं अभी जिंदगी में। ये अच्छा। मुझे लगता है मेरा सबसे इंटरेस्टिंग है ये। किसी को पता है क्या है? जेलीफिश। जेलीफिश। अच्छा तो अब हम लोग थे मेरी ग्रेजुएशन की ट्रिप थी, ठीक है, हम लोग थे स्पेन में, टेनरीफ आइलैंड्स हैं, और हमारा लास्ट डे था, ठीक है। हाँ। तो मुझे ना तैरने का बहुत शौक है तो हम लोग बीच पे गए, ठीक है, समंदर में हम गए, 7-8 लोग हैं, चिलिंग कर रहे हैं, और उस दिन फ्लैग्स लगे हुए थे हर जगह जो हमने नहीं देखे, जहाँ लिखा हुआ था ला मेडूसा डे, बी केयरफुल। ला मेडूसा इन स्पैनिश मींस जेली फिश। तो मतलब कि समंदर में जेली फिश ज़्यादा हैं तो आप केयरफुल रहें या ना तैरें। और हमें समझ नहीं आ रही थी क्योंकि बाकी समंदर में कोई नहीं था, लेकिन मेरे और मेरे दोस्त हमने देखा ही नहीं, हमने कहा चलो हमारा लास्ट डे हम करेंगे। तो आराम से समंदर में तैर रहे हैं, मैं आसमान पर देख रही हूँ, दुआएँ मांग रही हूँ कि मुझे बहुत पीसफुल लग रहा है, अल्लाह मियाँ मेरी ज़िंदगी अच्छी बना दे, ये यू नो बिकॉज चारों तरफ समंदर है, ऊपर आसमान है, रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल फुली रिलैक्स्ड। अब दुआ खत्म हुई, सारे मेरे फ्रेंड्स बाहर निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला मैं अंदर हूँ समंदर के, सारे निकल गए। कुछ पीछे से आता है, ठीक है, मेरी बैक पे, और मुझे लगा कोई एवी कीड़ा शीड़ा होगा, ऐसे लग के ना इट जस्ट ब्रश्ड पास मी, मतलब ऐसे लगा इधर और गुजर गया, लाइक मुझे समझ नहीं आई क्या है। उसके बाद भी मैं 5-6 मिनट पानी में तैरती रही, ठीक है, फिर मुझे एकदम से ना काफ़ी वो जलन सी महसूस, क्योंकि वो सॉल्टी होता है वाटर, तो एकदम से जलन सी महसूस हुई, तो मैंने कहा मैं निकल के देखती हूँ पता नहीं कोई क्या कीड़ा वीड़ा काट गया, ठीक है। मैं निकली, इतना बड़ा मेरी बैक पे लाल रंग का इतना बड़ा दाना, ठीक है, जेली फिश की टेंटिक, मतलब नज़र आ रही है कि वो जेली फिश है, और मैंने सुना हुआ था कि जेली फिश सारी होती हैं पॉइजनस, तो मैंने लगा मुझे लगा मैं मर जाऊँगी क्योंकि इतनी दर्द। अच्छा मेरी दोस्त ने, मैंने कहा ज़रा देखो क्या है, ठीक है, और उसने पीछे पिक्चर लेके, क्योंकि बैक पे था मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तस्वीर लेके मुझे दिखाई, और मैंने कहा मैं तो गई, क्योंकि उसी दिन हमारी फ़्लाइट वापसी की थी। मैंने मामा को कॉल किया, रोने लग गई मैं। अच्छा फिर मेरी दोस्त मुझे लेके गई, और अच्छा मेरे पैसे भी अब कम, और वहाँ मेडिकल केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो फिर वही टोटका ही काम आया फिर मुझे लग रहा है। मेडिकल केयर भी एक्सपेंसिव। नहीं तो गए उन्होंने, मुझे पता नहीं कोई बताया 150 यूरो का टेस्ट है, ये है वो है, तो मैंने कहा मैं तो नहीं करा सकती, मुझे नहीं पता। तो खैर फिर हम फार्मेसी गए, दवाई वगैरह ली, फिर मैंने वो नहीं किया, दवाई लगाई, मैनेज कर लिया, लेकिन उसका मुझे लगता है अभी तक कहीं ना कहीं निशान है जेली फिश का, क्योंकि अच्छा बचत हो गई ना। भाभी मुझे भी एक दफा जेली फिश लग गई थी, वो हुआ ये कि बच्चे स्विमिंग कर रहे थे कराची में, उनको लगी, हाँ, और वो बच्चे साए साए कर रहे हैं, जेली फिश पिंक कलर की थी हमारी, इसकी तो बड़ी अंगारे वाली है। तो मैं समंदर में उतर गया, मैंने बोला बच्चों को काटती हो जेली फिश, अगर हिम्मत है तो मुझे यू करते हुए जा रहा हूँ, मैं मस्ती कर रहा हूँ, हाँ। अचानक आगे लगी, अरे, लेकिन वो कहते हैं पेस्ट लगाना चाहिए, और मट्टी के अंदर में हाथ डाल के बैठा रहा। अच्छा ऐसी गंदी जलन होती है। हाँ, बहुत जलन है। प्याज लगा दो, ये भी टोटका है। प्याज हो सकता है। नहीं ऑस्ट्रेलिया में तो वो इतनी बड़ी बड़ी बॉक्स जेलीफिश होती है, वो असल में पॉइजनस। ये तो ट्रिकी छोटी थी तो इतना नहीं हुआ, लेकिन पूरा दिन फिर मेरी फ्रेंड ने क्रीम वगैरह लगाई, अमोनिया से बेसिकली उसका होता है, तो अमोनिया लगाई पट्टी की, तो सही हो गया, निशान रह गया। हाँ निशान तो है, दिल पे है, दिल पे। अच्छा ये है मुझे बेसिकली मेरे दान बहुत टेढ़े होते थे, लाइक अभी भी थोड़े बड़े हैं ये दो आगे वाले, अच्छे लग रहे हैं। तो वो होते थे बनी रैबिट टाइप, तो सारे मेरा काफी मजाक उड़ाते थे, तो फिर काफी बड़े थे,
काफी आगे तक और टेढ़े भी थे ना, तो बड़े भी और टेढ़े भी, तो मुझे फिर काफी मेरे हर कोई मजाक उड़ाता था, तो मुझे ब्रेसेस फिर लगे, कोई 6 साल मुझे लगे रहे, तो 10 साल की उम्र में लगे, और मेरी 16th बर्थडे से पहले मैंने कहा अब तो मैं 16 साल की हो रही हूँ, ये उतरेंगे बर्थडे से पहले, लेकिन 6 साल लगे रहे। तो खैर बीच में ना एक नया ट्रेंड आया था कलर्ड ड्रेसेस का, तो ग्रीन, पिंक, पर्पल, और मुझे बहुत शौक हो गया कि मैं कलर्ड ड्रेसेस कराऊँ। तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा तुमने हर कलर किया है, तुम येलो करो, येलो ब्रेसेस। और मैंने कहा येलो अजीब लगेगा, मैंने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुमने अब हर कलर अगर ट्राई किया है तो ट्राई करो, तुम्हें सूट करेगा। मैंने येलो ब्रेसेस कराए, ठीक है। हफ्ते बाद था हमारा पेरेंट्स डे, ठीक है, पेरेंट्स डे में ऑब्वियसली मतलब इतना मेरा अच्छा रोल डांसिंग सिंगिंग मैं, ठीक है, पेरेंट्स डे पे मैं परफॉर्म किया पूरा वक्त, मतलब स्माइलिंग ये, और बाद में मुझे लाइक काफ़ी लोगों ने बोला तुम्हारे पीले दांत हैं, इतने पीले दांत हैं, तुम दांत नहीं ब्रश करती, इतना मुझे उन्होंने तंग किया कि पीले दांत हैं, तुम दांत नहीं ब्रश करती, ये है वो है, और क्योंकि वो प्रॉपर पीले गंदे वाले ब्रेसेस, और बाद में मैंने फोटो देखी, मैंने देखा, मैंने कहा वाकई तो इतने असल में जितने पीले हैं उससे भी ज़्यादा लग रहे हैं कुछ फोटोज़ वगैरह में, लाइट्स में। तो फिर मैंने मामा को बोला, मैंने कहा आप तो मुझे बता सकती थी, मैं भी यही बोलने वाला था कि यार मामा नहीं थी क्या, बताया नहीं मुझे कि क्या है ये वो। उन्होंने कहा तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था, सही है, इतना खराब नहीं लगा। मैंने कहा मेरा सबने इतना मजाक उड़ाया है, स्पॉटलाइट में पीले दांत लग रहे हैं मेरे, अभी तक मुझे उस बात की, उसके बाद मैंने कभी कलर ब्रेसेस नहीं लगाए, फिर वो ट्रांसपेरेंट वाले वो भी खैर कोई अजीब ही थे, लेकिन हाँ ये हमारे बच्चों का हाल है अभी। फरीदी मुझे पीले लगाए नहीं, नहीं पीले नहीं है, पर्पल है उनके, ब्लू है। हाँ भाई फराज कभी पर्पल लगा देता है, कभी ब्लू लगा देता है। यूनिवर्सिटी का और हमारी फर्स्ट वेकेशन थी, पॉपकॉर्न वगैरह मंगाओ, 18-20 नहीं इतनी मतलब जो भी 18-20 लोग, ठीक है, हम लोग थे, और हमने हम आइलैंड में गए थे, क्रीट आइलैंड्स, ठीक है। सो काफी एक बड़ा हमने विला हायर किया हुआ था, काफी लाइक स्विमिंग पूल एंड वेरी नाइस। तो अगले दिन सुबह हमने जाना था हाइक पे, ठीक है, सब ने हाइकिंग पे जाना था, तो हमारी टैक्सी 5-6 AM आनी, तो मैं आराम से उठी, तैयार हुई, सारे हम लोग मतलब रेडी थे जाने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बड़ा स्टूपिड सा था, उसने काउंट करना था सबको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि 4-6 taxis होंगी, 4 लोग होंगे हर टैक्सी में, और आप गिन के सबको मेक श्योर कि, क्योंकि पूरे दिन की हाइक थी और जाहिर बात है सारे कोई रह ना जाए पीछे। तो उसने काउंट किया, काउंट वो मैंने उससे बाद में लड़ाई की, मैंने कहा तुमने जान के मुझे नहीं काउंट किया, लेकिन उसने कहा मैंने किया था, तुम बाथरूम चली गई। उसने सबको काउंट किया, ठीक है, मैं चली गई बाथरूम, सारे निकल गए, ठीक है, गेट विला का लॉक हो गया सारा, मैं इतने बड़े विला में अकेली। अब उन्होंने आगे ट्रेन अभी सुने, आगे उन्होंने ट्रेन लेनी थी टू गेट टू द हाइक, ठीक है, तो आगे वो ट्रेन का एक सर्टन टाइम था, तो मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैं अकेली क्या करूँगी, मैंने मामा को कॉल की, ठीक है, मामा ने कहा तुम तो मुझे क्यों कॉल करी, उनको कॉल करके बुलाओ, मैं पाकिस्तान से क्या करूँगी, मैं रो रही हूँ। फिर खैर मैंने उनको बुलाया, और फिर मैंने 3-4 दोस्तों को इकट्ठे कॉल कर दी, अलग अलग टैक्सीज में थे, फिर सारी टैक्सियाँ वापस आई, मेरे दोस्तों ने कहा तुम एक टैक्सी को फ़ोन करती हो तुम्हारी वजह से ट्रेन मिस हो जाएगी। तो खैर वापस आई, फिर हम गए, फिर टेल एंड में ट्रेन हमने मेक कर ली और मैं चली गई, लेकिन वो सही नहीं था ना, उनको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मैं वैसे ही डरती हूं। लेकिन तुम भी काउंटिंग के टाइम पे ही वॉशरूम क्यों गई मेरी बहन, समंदर में जब सब बाहर आ गए तो तुम क्यों रह गई अंदर, क्यों होता है ऐसा टिया तुम्हारे साथ, कभी तुमने सोचा? कश में भी मुझे सारे तंग करते हैं, वहाँ के भी दोस्त पता नहीं मुझे हर कोई तंग बहुत करता है। नहीं ये अपने आप को तंग करना पेश कर देगी, आप मुझे तंग करेंगे। लेकिन वैसे अगर वो चले जाते ना, वैसे उन्होंने बोला तुम विला एंजॉय करती पूरा दिन बाय योरसेल्फ, बट मुझे अकेले थोड़ा डर लाइक डर लगता है मुझे अकेले। लेकिन नहीं मेरे ड्रामे में मुझे इससे बिल्कुल तंग नहीं किया, बड़ी फोकस, अच्छी एक्टिंग, पढ़ाई, स्क्रिप्ट याद, चीजें, और बड़ा अच्छा, अपने आप को बार बार ये
ठीक है, नजर आएगी अब आपको माशाल्लाह बहुत सारे ड्रामों में। कराची भी ही में आ गई है माशाल्लाह, ये लाहौर से तो अब ये नजर आएंगी बहुत सारे ड्रामों। ऊंट, यस, अच्छा ये ऊंट है, ठीक, ये आपको छोड़ के चला गया था, लात मारी ऊंट ने। अच्छा मुझे समंदर जाने का बेसिकली बहुत शौक था, लेकिन हम लोग लाहौर में होते थे तो, लेकिन कराची में मेरी अब्बू एक्चुअली कराची से हैं, तो हम रहते लाहौर में लेकिन उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो हर साल हम आते थे, तो सबसे मेरी फेवरेट एक्टिविटी बीच पे जाना, यू नो, और मतलब ऊँट की सवारी, ये मुझे बहुत शौक था, लेकिन डर भी मुझे लगता था, क्योंकि जब ऊँट रुकती है ना तो वो नीचे जैसे आती है ना, मतलब आप ऐसे उतर नहीं सकते, तो वो रुकता है, रुकती है, फीमेल ऊँट नहीं होगी, हो सकता है फीमेल हो, नहीं ऊँट नहीं थी अब, ये नहीं मुझे फीमेल या मेल, पूछ लो फोन करके मम्मी से, मामा नहीं थी ना, मामा से, अच्छा मामा नहीं थी, उसको कहाँ थी मामा, स्पेन तभी तो फोन किया था ना। अच्छा फिर जब ऊँट नीचे बैठता है, नहीं तो ऊँट के बैठने से मुझे, तो मैं मजे से उसके ऊपर चढ़ जाती हूँ, ठीक है, ऊँट की सवारी लेके, मैंने कहा कि मैं ऊँट से लाइक मुझे उतारो, मतलब मैंने कहा कि ऊँट बैठेगी नहीं, क्योंकि मैं मतलब मैंने फिट क्रिएट, मैंने 10 साल की थी, मैंने कहा ऊँट बैठेगी नहीं, ऊँट खड़ा रहेगा या जो भी, और मुझे कोई उठा के नीचे कर दे, ठीक है, मतलब मैंने वो नहीं करना, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हाइट पे है तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको डर लगता था कि ऊँट के बैठने से, ज़्यादा लोगों लगता है, तो फिर खैर मैं रोने लग गई, मैंने कहा मैंने नहीं होना, तो उन्होंने कहा फिर आप बैठी क्यों, और सिर्फ मैं 10 साल की थी बेचारी, मैं आई थिंक कि ऊँट मुझसे बहुत तंग आ गया, ठीक है, और फिर अब जाहिरी बात है मेरी मर्जी तो चलनी नहीं थी, तो वो जब बैठ रहा था, मतलब बैठते बैठते उसकी टांग, उसने मुझे मतलब के लात मारी, ठीक है, तो लाइटली लगी, लेकिन मैं पीछे जाके, और मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये होगा और ये वो, तो उसके बाद फिर मैं ऊँट पे कभी नहीं बैठी, क्योंकि एक ट्रॉमा हो गया मुझे, कि जिस चीज़ का मुझे उसी का डर था ना कि लात ना लग जाए या वो साइड से, क्योंकि बहुत झटके पड़ते हैं जब वो बैठता है, तो खैर उसके बाद में, अब अगर तुम्हें शूटिंग में किसी ऊँट पे बैठना पड़े फिर शूटिंग के लिए तो मैं कर लूंगी, शूटिंग के लिए ऊँट को अपने ऊपर उठा लेगी, ऊँट को उठा लेगी, लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती थी, चलो अच्छा, क्योंकि मैं उसको तंग किया ना, मैंने उसको किक मारी और आप तालियां बजा रही हैं, ये तो यार ये नहीं करना चाहिए। चलिए एक और, ब्लैक कॉफी, ब्लैक नहीं पीती मैं, वनीला लाटे फ्रॉम स्टारबक्स, माय फेवरेट कॉफी, अच्छा इसलिए ऊंट ने तुम्हें लाटे मारी, ऊंट ने लाटे इसलिए मारी कि लाटे कॉफी पीती है, अच्छा तो कॉफी पीने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मुझे बिल्कुल जहर लगती थी ए लेवल्स में, हालांकि मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, ठीक है, पूरी पूरी रात में पढ़ती थी, एक्टर तो आपको पता है सारे ही माशाल्लाह पढ़ाकू टॉपर, ये अगर एक्टर नहीं होते तो ये सब नासा में होते। नहीं नहीं मैं माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट थी, हूँ थी क्या हूँ, अच्छा तो ये कॉफ़ी मुझे, अच्छा यूनिवर्सिटी में गई, वहाँ जाके मुझे कॉफ़ी से जो ऑब्सेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसी है, और लंदन में मैं थी तो कॉफ़ी का बहुत कल्चर है कि आप कॉफ़ी पियो, यूनिवर्सिटी जाने से पहले पियो, फ्रेंड्स के साथ पियो, पढ़ते हुए पियो, हर वक्त कॉफ़ी लोग पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी भी और भी जो भी, तो खैर हम गए और कॉफ़ी शॉप में मैंने, अच्छा मेरी क्लास थी, ठीक है, फर्स्ट क्लास थी मेरी यूनिवर्सिटी की, एंड मुझे लेट हो रहा था क्लास के लिए, मतलब देर हो रही थी, मुझे पता था देर हो रही है, लेकिन मैंने कहा मैं कॉफ़ी लेके सैंडविच लेके आराम से जाऊँगी, अच्छा मैंने कॉफ़ी ली, सैंडविच लिया, ठीक है, काफ़ी तैयार हुई भी थी, वाइट जैकेट और काफ़ी अच्छे कपड़े के, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ टीचर को, फ्रेंड्स को, जो भी फ्रेंड्स तब नहीं थे बल्कि मेरे, मैं अकेली ही थी, क्योंकि नया नया था ना तब, तो मैं गई, ठीक है, और जाते जाते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्लास को बहुत देर हो गई, मतलब 10 मिनट, मैंने कहा पहले इतना लेट जाऊंगी, तो मैं लाइक भागती हुई क्लास के मतलब गई अंदर, ठीक है, लाइक ऐसे तेजी से भागी, तो एक और लड़की खड़ी हुई थी, उसके अंदर मैं था, मतलब ऐसे लगी, ठीक है, कॉफ़ी गिरी, किताबें 2-3 पकड़ी हुई थी, सारा कुछ नीचे गिरा उसके ऊपर, और वो फ्रेंच थी लड़की, उसने मैं, अच्छा सारे देख रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी गिर गई है, उसके ऊपर भी गिरा दी, खुद के ऊपर भी गिरा दी, अब वो फ्रेंच में मुझे पता नहीं चीखे मारने लगी मेरे पे कि ओ आई डोंट नो व्हाट शी वाज सेइंग कि ओ यू कांट सी या पता नहीं गालियाँ, और मैंने कहा मैं मतलब सॉरी लाइक मैंने नहीं देखा, और टीचर देख रहे हैं वहाँ पे, और मैं रोने लग गई, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है, फिर मैं गई, वो वैसे टीचर अच्छे थे, उन्होंने कहा सो आई वाज लाइक आई एम सॉरी यू नो फर्स्ट डे, फिर बाद में मतलब वो हो गया, लेकिन वो पहला इंप्रेशन, ये इश्तेहार किससे भी, ये रोने लग गई, उसको रोने वाले लोग, और लेट भी हो रही है किससे भी, रोल दीजिए, हां ये लेट भी हो रही है, रो भी रही है, माशाल्लाह इतनी उम्र में आपने काफी चीजें अचीव कर ली, काफी दुख देख लिया, अब ड्रामों में आप रोने का रोल बहुत इजीली कर सकती हैं।
स्कूल का क्या किस्सा है? स्कूल का स्कूल स्कूल सुनाओ बेटा, कोई बात नहीं। लेट इसमें इसको रोने वाला किस्सा होगा या लेट होने वाला? लेट मुझे लग रहा है, इसमें लेट लग रहा है। क्या हो सकता है? टीचर ने बाहर निकाल दिया असाइनमेंट पूरा। स्कूल का क्या? नहीं नहीं, स्कूल का ही। अच्छा, स्कूल का बेसिकली ये है, बचपन में ना मैं एक चीज़ होती थी लिटलेस्ट पेट्स, लाइक वो छोटे छोटे पेट्स होते थे तो मैं उनको ना असल समझती थी, लाइक मैं उनको कहती थी कि ये मेरे बेबीज हैं, ठीक है, उनकी मैं बर्थडेज करती थी, सारा कुछ करती थी। जो तुम्हारे लिटलेस्ट पेट्स मतलब टॉयज थे, असल पेट्स थे, टॉयज थे, लिटलेस्ट पेट कलेक्शन, तो मैं उनको काफी गले से लगा के, ठीक है, तो ये ब्राउनी थी, पिंक सी, छोटा जैसे चूहा नहीं होता, लाइक चूहा था बट प्यारा चूहा, हैमस्टर, ठीक है, बेसिकली। तो उसको मैंने, तो मैं ना अपनी बर्थडेज उनके साथ सेलिब्रेट करती थी, मतलब कि वो मेरे साथ हर वक्त, लाइक उनका एक पाउच होता था, उनके थोड़े से कपड़े भी होते थे, सारा उनके साथ होता था। तो अमी 13 बर्थडे थी तो स्कूल का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, अच्छा वो ब्राउनी जो थी मेरी पॉकेट में थी। अब मेरी फ्रेंड्स ने बोला हम तुम्हें बर्थडे बम्स देते हैं, ठीक है, और मतलब मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, या चलो दे दो फिर बर्थडे बम्स। उन्होंने मुझे दिए, तो बर्थडे बम्स में यू नो आपको उठाते हैं करते हैं उठाते हैं करते हैं, तो 13 बर्थडे बम्स दिए और फिर गिराया और ये हो गया, ठीक है, हो गया, सारा हो गया। मैं घर गई, मेरी बर्थडे की प्लानिंग सारी थी, मैंने कहा अच्छा मैं यू नो ब्राउनी को निकालती हूँ, हम दोनों लाइक साथ के मर चुके, ब्राउनी गए पॉकेट, बिकॉज पॉकेट में थी ना खुली पॉकेट, ब्राउनी गई। अच्छा अब मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं, मैं चीखी, हाँ। इतना मैंने कहा मेरी बर्थडे कैंसिल कर दे क्यों, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई की क्योंकि उसने उसका आइडिया था, मैंने कहा तुम्हारा आइडिया था बर्थडे बम्स, ब्राउनी किधर है। वापस स्कूल गए, ठीक है, सारे हम वापस स्कूल गए, और वो प्रिंसिपल उस वक्त लाइक काफ़ी मामा भी जानती थी, वो प्रिंसिपल को कॉल किया कि स्कूल दोबारा जाएंगे, स्कूल के ग्राउंड सर्च ढूंढेंगे, ब्राउनी को हम ढूंढेंगे वरना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगी। लेकिन ब्राउनी नहीं मिली, लेकिन उसको फिर रिप्लेस कर लिया था जी। तो अब टाइम हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुल जा सिम सिम सिम, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब जो खजाना है वो लेकर आए हैं किरण, सेल्टेक्स लेकर आई है हमारी, लॉन के कपड़ों से बढ़कर कोई खजाना है भला, जस्ट इमेजिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक कही है, ये वाकई में खजाना होता है और हम उसको इतना ट्रेजर करते हैं ना, और उसको भरते रहते हैं इस खजाने को। अभी तो मेरा दिल चाह रहा है करण से पूछने के लिए कहाँ से आई झुमकी है ना, किसने दिए ये झुमके, बस क्या बताऊं, किसके लिए पहने हैं ये झुमके, सब कुछ मेरे हैं, ये सेल्टेक्स भी मेरा है। एक्चुअली आपको पता है मैं निदा के शो पर आती हूँ तो सेल्टेक्स की कुछ ना कुछ नई कलेक्शन लेकर आती हूँ, और क्योंकि नया साल स्टार्ट हुआ बड़ा प्यारा तुमने जोड़ा पहना, ये इनकी पहली समर लॉन कलेक्शन है 2021 की, ये कलेक्शन का नाम क्या है यार? इनाया, इनाया, इनाया के नाम से। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएंगे sellytexonline.com पर तो आपको ये कलेक्शन के 12 डिजाइन्स मिलेंगे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्शन। मैं तो मेरी तो जब नजर पड़ी ना ये चुनरी प्रिंट पे, मैं वैसे ही बहुत बड़ी फैन हूँ चुनरी प्रिंट की। सुनो ये खत्म ना हो जाए, प्री बुकिंग कब से है? आप अभी जाइए sellytexonline.com पर और बुक करवा लीजिए। 12 डिजाइन्स हैं, हर डिजाइन के 2 कलर्स हैं, एंड दे आर ब्यूटीफुल। पैसे कितने हैं पैसे, ये तो बताओ। 1995 ऑलमोस्ट 2000, 2000 में 5 रुपए कम है आपके लिए। कुछ भी नहीं है, ये प्रिंटेड लॉन के जोड़े हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप ये देखें इतना खूबसूरत हसीन चुनरी प्रिंट है। लॉन का दुपट्टा आपको मिलेगा अच्छा सा बड़ा सा, खूब ये देख लीजिए दोनों तरफ प्रिंट है, ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप दुपट्टे पहनते हैं 2 कलर्स, 12 डिजाइन है और 2 कलर्स, हाँ यानी कि 24 कलर्स की वैरायटी आपको मिलेगी, और प्लेन आपके पास ये ट्राउजर और शलवार का मटेरियल है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। 1995 में आपको ये 3 पीस मिल रहा है जिसमें हसीन प्रिंट्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, आप बल्कि अगर अपने हाथ में लेना चाहेंगे या मैं दिखा देती हूँ इनकी, मैं डिटेल में आप जरा देखें, और जिन लोगों को इन कार्ड्स में समझ नहीं आ रहा है तो वो लोग
sellytexonline.com पर जाकर इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, आप इनके सोशल पेजेस पे जाकर आपको ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ये 12 डिज़ाइंस जो हैं इनाया के, ये इनकी 2021 की पहली समर लॉन कलेक्शन है और अब तो साल का शुरुआत है निदा, अब आगे आगे और मजीद डिज़ाइन सेलिटेक्स लेकर वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे जाइए ऑनलाइन sellytexonline.com पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए। एंड आई टेल यू, इस बार वाकई सारे प्रिंट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जिनमें चुनरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलर कॉम्बिनेशंस बहुत हसीन है एंड यू विल लव इट। इससे पहले कि ये चुनरी वाले डिज़ाइन तो आउट ऑफ स्टॉक हों, आप अभी इसी वक्त जाइए। अच्छा, पता है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना अभी, हाँ, ये आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी ज़्यादा, बहुत कोई ग्लेयर नहीं होगी। इंस्टा पर आप इनको जाकर चेक कर सकते हैं, इनकी सारी अपडेट्स ले सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इनके जितने नई नई कलेक्शन हैं वो आप कर सकते हैं और हम आपको कुछ इनके जो नए जोड़े हैं वो खोल के भी दिखाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, बाय द वे ये हैं अनस्टिच, 1995 में आपको अनस्टिच मिल रहा है, बट अगर आप स्टिच करवाना चाहते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे तो आप वो भी करवा सकते हैं सेलिटेक्स को, आप इनकी वेबसाइट पर ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी मेजरमेंट्स पर आपको अच्छी सी स्टिचिंग सेलिटेक्स की मिल जाएगी। देखो एक ये जोड़ा है एंड दिस इज ब्यूटीफुल लॉन बाय द वे, ये चिपकने वाला लॉन नहीं है, ये आपको लग रहा होगा बड़ा रिच सा और बनारसी एक लुक इसमें आ रहा है, ये इसका दुपट्टा है, ये देखो लॉन का थ्री पीस। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 1995 में आपको इतना हसीन जोड़ा मिलेगा जिसमें आपको A1 क्वालिटी, निदा जानती है इनकी क्वालिटी बहुत वाकई ज़बरदस्त होती है, इनकी फैब्रिक पे वो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसीलिए हर कोई जो है वो सेलिटेक्स के जोड़ों का दीवाना है। और पता क्या होता है, जैसे आप लॉन का दुपट्टा होता है, जैसे आगे की प्रिंटिंग होती है पीछे नहीं होती, नहीं ओढ़ा होता है, उल्टा ऐसा उल्टा बुरा लगता है, ये होता है कि यार इसको डबल करके फिर ओढ़ो, एग्जैक्टली ऐसा कुछ, और फिर छोटे दुपट्टे होते हैं जो आप दूसरे लॉन के जोड़े लेते हैं, बहुत सारे लोग देखो ना सर कवर करते हैं तो उनको एक प्रॉपर दुपट्टा चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको इसकी विड्थ भी ज्यादा है, इसकी लेंथ भी ज्यादा है, आप जिस तरह चाहें, ब्लू कलर का जो तुम्हारे हाथ है ये कितना खूबसूरत है, ये बिल्कुल गोल्डन इसमें वो लग रहा है कि जैसे वो चुन का, वो देखो ये मेरे ख्याल से बैक है, गले बने हुए हैं और ये है फ्रंट, प्रिंटेड चीजें मिलेंगी और ये इसका दुपट्टा है, उफ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, इसको तो आप मेहंदी टाइप के फंक्शंस में भी आराम से पहन सकते हैं, मतलब कि किसी को आदत है ना गर्मी लगती है ज्यादा तो लॉन के साथ ज्वेलरी को जैसे तुमने झुमके पहने हुए हैं ना, चूड़ीदार बनवाइए खुशों के साथ, थोड़ा सा ज्वेलरी से हैवी कर लीजिए और क्या चाहिए बाल, आपको शाल मेकअप वेकअप करके ना प्रॉमिनेंट, कोई सोच सकता है कि 2000 के अंदर आपको ये इतना हसीन जोड़ा मिलेगा वो भी लॉन का जिसमें आप इतने कंफर्टेबल फील करेंगे, और ये sellytexonline.com पर जाकर आपको इनकी नई कलेक्शन ये जो 2021 की है अच्छे से देखने को मिलेगी। ये देखो अच्छा एक ये है इनकी जो नई कलेक्शन है इनाया समर लॉन कलेक्शन 2021 की जिसके 12 डिजाइन हैं, अभी मैंने आपको 2-3 डिजाइन खोल के दिखाए हैं, ये आप देख लीजिए ये इसके साथ का दुपट्टा है। अच्छा कुछ लोग थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स चाहते हैं, थोड़ा सा रिच हो, थोड़ा सा रेड एंड ब्लैक, मतलब उनके कपड़ों में रेड या मरून शेड होना चाहिए ना ताकि वो लिपस्टिक अपनी मैचिंग कर सके कुछ ना कुछ उसके साथ, तो ये वो जोड़े हैं जिनको आप स्टिच भी करवा सकते हैं, स्टिच्ड ऑर्डर दे सकते हैं, अनस्टिच ले सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, और ना सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान में हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप लोग हैं तो आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, आप वहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं एंड डिलीवर वो आपको कर देंगे वर्ल्ड वाइड। और एक और अच्छी बात, इनकी हमेशा से मनी बैक गारंटी रही है, आपके पास आपका ऑर्डर आता है अगर आपको पसंद ना आए किसी वजह से, आप कहें कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मनी बैक गारंटी है, आपके पैसे उसी वक्त ही वापस कर दिए जाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है, बट मैं ये रेकमेंड करूँगी, इनकी स्टिचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने जब भी पहना है बहुत सफाई से तुरपाई शुरपाई भी हुई है, आप अगर स्टिच भी ऑर्डर करेंगे ना तो आपको ऑर्डर झंझट खत्म हो जाता है ना यार, दर्जियों के चक्कर लगाना
ये वो और आपको एकदम चाहिए तो फिर आपको फैसिलिटेट करते हैं सेलोटेक्स के स्टिच्ड आप तक पहुंचाते हैं आपकी डोर तक। हर किसी को इंतजार था कि नया साल शुरू हुआ है, सेलोटेक्स किधर है, उसके नए डिजाइन, नए कलेक्शन, गर्मियां आ गई और क्या। तो अब जी आ गया है इनका समर कलेक्शन इनाया के नाम से। अच्छा ये मैं कुछ दो दिखाना चाहूंगी, ये जेडियोर के हैं, ये अगर आपको नजर आ रहा है ये इनके बेस्ट सेलर्स हैं। ये वो कपड़े हैं जिन जो लोगों ने बेहद पसंद किए और ख़त्म हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए, लेकिन अब उन्होंने रीस्टॉक कर दिया है सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पे। ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इनके जो हैं ये शिफॉन दुपट्टों के साथ हैं, ये भी लॉन के प्रिंटेड प्लस एम्ब्रॉयडर्ड जोड़े हैं, इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी भी मिलेगी और ये शिफॉन का दुपट्टा भी मिलेगा। और इसकी प्राइस 3375 की है जो कि अब रीस्टॉक कर दी गई है। तो आप लोग जाकर इनकी वेबसाइट पे sellytexonline.com पर जाकर इन्हें दोबारा से हासिल कर सकते हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो दिस इज़ द राइट टाइम। इसके अलावा एक ये फोस्टीना है, एक्चुअली इस वाले की प्राइस जो है वो 2650 है और फोस्टीना इज़ फॉर 3375। इसमें थोड़ा सा मिरर वर्क हुआ हुआ है तो ये 3375 में आपको मिलेगा, लेकिन मुझे इसका कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगा है है ना, बहुत अच्छा कलर है, ब्लैक के साथ जो कॉम्बो है अच्छा लग रहा है। ये भी इनका सोल्ड आउट हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, अब आप लोगों की खास फरमाइश पर इसको। अच्छा शीशे भी लगे हुए हैं, शीशे भी लगे हुए हैं ना, अच्छा सा ये लगता है। अच्छा शिफॉन दुपट्टा है प्लस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये जो वर्क आप देख रहे हैं नीचे ये सारा एम्ब्रॉयडरी है। ये फोस्टीना कलेक्शन का रीस्टॉक कर दिया गया है तो अब खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ये डिज़ाइन लेना चाहते थे और ख़त्म हो गया था, रीस्टॉक कर दिया गया है। ये भी लॉन है विद एम्ब्रॉयडरी है, विद शिफॉन दुपट्टा है एंड प्लेन कैम्ब्रिक शलवार है फॉर 3375। तो इनकी नई कलेक्शन इनाया इज आउट, आप ऑर्डर कर सकते हैं sellytexonline.com पर। बिल्कुल यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, एक दफा जल्दी से रिपीट कर दो। बिल्कुल 12 डिजाइंस, दो दो कलर्स, यानी 24 अलग अलग आपको कलर्स एंड डिजाइन्स आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही है। 24 शेड्स हैं, 12 डिजाइन्स हैं, अपने लिए लेना है, अपनों के लिए लेना है, गिफ्ट देना है, दिस इज एन आइडियल गिफ्ट। 1995 में आपको ये इनाया कलेक्शन मिलेगी। आप इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए sellytexonline.com पर जाकर, नहीं तो आप इनको सोशल पेजेस जो हैं इनके आपका इंस्टा पे, फेसबुक पे, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं और सारी आने वाली कलेक्शन और अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी सेलिटेक्स के हवाले से। आई गेस मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप जल्दी कीजिए, जबरदस्त टाइमिंग में तुमने सब कुछ बता दिया। अब जल्दी करने का टाइम आपका है इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। इनफैक्ट अगर आप लोग निदा के शो से भी कुछ लेना चाहते हैं तो आप लोग SMS कीजिए, ओके, सेलिटेक्स का नाम लिख के भेजिए और देखते हैं वो कौन खुश नसीब है जो सेलिटेक्स की ये जोड़े हमारे पास से जीत सकेगा। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई कलेक्शन के साथ। कलेक्शन के साथ, और तुमने बताया नहीं कहां से आई ये झुमके, अरे तारिक रोड से यही के ग्रेट ग्रेट जबरदस्त। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है कि आपको कितना मजा आया होगा देख के। ये भी खजाना, हर तरफ खजाने, अब जाइए और अपने खजाने तलाश करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। जो आई है।